थी, इंसर्जेंसी लगी रहती थी, कर्फ्यू लगा रहता था, कभी आपने ध्यान दिया उत्तर पूर्व की तरफ? कभी ध्यान ही नहीं दिया आपने। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टिता है कि वहां पर लगातार माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं 52 से 53 दौरे किए उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये हमारी सोच है उत्तर पूर्व के लिए, ये आपकी सोच थी कि किस तरह से उनको गड्ढे में डाल रखा था आपने। अब मैं जरा उसी का परिणाम है कि हमें आपने देखा कि मणिपुर में भी दोबारा से हम लोग जीत करके आए और इस बार भी निश्चित रूप से रिपीट कर रहे हैं। आपने बोला था आप दूरबीन लाए हैं, अब लेकर आइए कहाँ है फिर आप? मैं दूरबीन लेके आया हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। तो लाइए ना, कहाँ है, ढूंढिए ना। अभी भी संभावना त्रिपुरा, कांग्रेस को ढूंढिए ना, पहले दूरबीन लेकर आइए। आपने बोला आप दूरबीन लाए ना, बिल्कुल लेके आया हूँ। लाइए ना, मैं 4 संख्या को भी स्वीकार कर रहा हूँ, नागालैंड में कांग्रेस की 3 के संख्याओं को भी स्वीकार कर रहा हूँ। वो दूरबीन 4 और 3 सारे संख्याओं को देख रहा है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, जो 2-3 सवाल यहाँ पे देखिए। त्रिपुरा को लेके अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 2 संभावनाएं बनी हुई हैं, वहां पे बीजेपी गठबंधन की भी सरकार बन सकती है और वहां पे लेफ्ट का त्रिपुरा के साथ जो अगर आंकड़े आते हैं तो उसकी भी संभावनाओं को हम लोग खारिज नहीं कर सकते। तो एक तो अगर मान लीजिए कि वहां पे संभावना नंबर 2 आती है। एक मिनट विवेक के पास चलते हैं, लाइव रिजल्ट हब से विवेक के पास एक बार चलते हैं। विवेक का कोई अपडेट, क्योंकि बीजेपी 33 त्रिपुरा में और 36 नागालैंड बीजेपी और मेघालय में 27-4, कोई अपडेट? मेघालय में क्या अपडेट है अभी? देखिए मेघालय में मैं आपको बता दूं कि जिसको अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था कि वेस्ट जयंतिया हिल से जो नरतंगा है वहां से जो ये है स्नेह बाउल बलंगधर, ये पहले लीड कर रहे थे लेकिन अब इसको डिक्लेयर कर देगा 2123 सीट से वोटों से ये जीत गए। चलिए पहला रिजल्ट हमने आपको बताया यहाँ पर मेघालय से जीत का, लेकिन नागालैंड की तरफ अगर हम रुक करें तो नागालैंड से क्या खबर है ये भी हम जानते हैं। नागालैंड से क्या जीत हार का आंकड़ा अभी क्या कहता है? जी वहाँ पर अभी जो NDPP है वो 20 पे लीड कर रही है, 3 जीत चुकी है, बीजेपी भी 11 पे लीड तक बने किसी की, तो ये कांग्रेस को के पीछे पीछे घूमते हैं हाथ लेके और इनके पास रास्ता ही नहीं है तो इन्हें पूछेगा कौन? तो समस्या ये है कि आज अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए इनके किसी से भी समझौता कर लेना, विचारधारा नाम की कोई चीज इनकी बची नहीं है। अब ये कह रहे कि साहब ये जो धर्म सांप्रदायिकता बनाम ये, अरे साहब ये छूट गया, ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है भाई साहब, ये अब उस चकल्लस में आपके फंसने वाला नहीं है जो आप लोगों ने 60 साल तक जो ये घुट्टी पिलाई हुई थी, ये घुट्टी से देश बहुत आगे निकल चुका है। अब देश जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, आगे निकल चुका है, विश्व महाशक्ति बनने जा रहा है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इस मंत्र मूल इस मूल मंत्र को लेकर अगर आप चले हैं तो आप मेघालय में के शर्मा जी 2 से 4 पर पहुंचे हैं, तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वहां क्या कहां से हुआ? नागालैंड में भी रुकिए NPP 28 पे पहुंची है, नागालैंड में भी आप बीजेपी प्लस हमने यहां लिखा है लेकिन वहां तो लीडिंग पार्टी NDPP है। NDPP को कितनी सीटें मिली, आपको कितनी सीटें मिली है? 60 में से 40 वो लड़े, 20 आप लड़े, 20 में से आप कितने जीते हैं? नहीं नहीं मुझे एक चीज बताइए, मेघालय में हम कितनी सीट पर थे? 2, अभी 4। आज उससे हम वहां पर बढ़े या नहीं बढ़े? अरे 2 से 4 हो गए तो आप बहुत खुश हैं। नहीं, 2 से 4 होने में आप कैसे खुश हो गए? त्रिपुरा मोर्चा तो 0 पे था, 11 पे आ गया। अरे सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम धीरे धीरे पूर्वोत्तर में अपनी बढ़त तो बना रहे हैं ना। नहीं, लेकिन हम वहाँ पर अपनी बढ़त बना रहे हैं के बाद, और नागालैंड में भी हम बढ़ा रहे हैं। 5 साल नहीं, 5 साल कहाँ सरकार में रहे हैं? 5 साल मेघालय में सरकार में रहने के बाद और इसमें रहने के बाद आप 2 से 4 सीटें गए हैं, तो आपने कौन से ज्यादा गेन्स कर लिए? मैं बता रहा हूँ वहाँ अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों का ही वर्चस्व है, नागालैंड में भी क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व है, बीजेपी का फुटप्रिंट बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने आउटरीच नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने विकास की का मूल मंत्र वहां नहीं लेके गए, आपके मंत्री वहां नहीं पहुंचे, आपने स्कीम्स नहीं लाए, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया, सब कुछ मैं मान रहा हूं सरकारी पॉलिसीज के तरीके से आपने किया है, लेकिन एज अ पार्टी इंडिविजुअल पार्टी आप ग्रो कर पाए हैं कि नहीं? पार्टी में आपने अपने ग्राउंड पे जगह बनाई है कि आपके एलाइज के पर निर्भर है, नेडा पर आप निर्भर है ना? नहीं नहीं सुनिए सर, ऐसा है कि हम पूर्वोत्तर में इसके पहले कहीं नहीं थे जी, हम धीरे धीरे वहां अपनी बढ़त बनाते जा रहे हैं, यही आसाम था जहां हम इतने वर्षों तक लड़ते रहे और फिर हमने आसाम में अपनी सरकार रिपीट की और फिर पहले से ज्यादा बहुमत सीटें लेकर हम आए। अभी मेघालय में हम जो है कभी सरकार में नहीं रहे, हम मेघालय में अपनी जो है संगठन भी बढ़ा रहे हैं और वहां की उस विषम परिस्थिति में
हम जो है वहां आगे बढ़ रहे हैं, दो से चार हुए हैं, आने वाले समय पे देखिए और क्या होता है। इसी तरह आप जो है नागालैंड में देखेंगे तो वहां भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे वहां वोट परसेंट, यहां जो है मेघालय में हम पहले 1-2% वोट शेयर था, आज 10.5% वोट शेयर हमारा हुआ है। तो आप यदि ये देखोगे तो ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो वहां सत्ता पे बैठे हुए थे आज वो जमीन छू रहे हैं, उनको इसकी चिंता नहीं हो रही है। कांग्रेस को ही तोड़ा है सर, ये एनपीपी जो है कांग्रेस टूटी ना, आइडियोलॉजी की बात ना करें ना, कांग्रेस को बुरा मत कहिए, तो तृणमूल छोड़ के 75 साल से कांग्रेस ने बुरा काम किया है ना, आपकी आइडियोलॉजी को भी कोई पकड़ नहीं रहा है, बिस्वा शर्मा से लेकर आपकी आइडियोलॉजी को भी तो कोई नहीं पकड़ रहा, आपने किसको तोड़ा है, देखिए तोड़ा नहीं, तोड़ा हो, तोड़ा हो या छोड़ा हो, लेकिन आप जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं उसका रिजेक्शन है कि नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो अभी 6 में से 8 में बीजेपी की सरकार है, मिजोरम और सिक्किम भले ही रुष्ट हो फिर भी नेडा के पात्र हैं, इन 6 में से 4 जगह बीजेपी की ही सरकार है और 2 जगह तो रिपीट हुई है असम और मणिपुर में। हाँ, ये स्टोरी पिछले 6 साल में 2016 से 2023 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, इस 2016 से 23 के अंदर लेफ्ट कितना फिसली है, कांग्रेस कितना फिसली है, कौन कहाँ गया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक एनालिसिस और आप समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो एक वहां का ट्रेडिशन रहा है कि उसमें से 70-80% राज्यों ने देर लाइक टू कनेक्ट विद समबडी हु इज सिटिंग एट द सेंटर जी, अपार्ट फ्रॉम त्रिपुरा जहां पे लेफ्ट की सरकार थी जी, एक ऑब्जर्वेशन है जी। दूसरी ऑब्जर्वेशन असम, असम, असम में कांग्रेस की सरकार थी, अब दो बार से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, मणिपुर में अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, लिया है सर, अरे लिया है, दिया है, आरएसएस से एक आदमी नहीं उठा, ताली दो हाथ से बचती है, अगर आप भी तो नाकामी है ना, आप भी तो नहीं रोक पाए, आपकी तरफ तो नहीं आया वो, नहीं नहीं आपकी तरफ तो नहीं आया, लेकिन फिर आपसे भी छूट के निकल गए, आपसे भी छूट के निकल गए, तो आपकी विचारधारा को रिजेक्ट किया जा रहा है, जो बंद की विचारधारा थी लाठी बांटा भाला बच्चा भाला अलगाववाद अलगाववाद की विचारधारा है, लोगों की जिंदगी को चरमराने की, वहां विकास नहीं लाने की जो विचारधारा है रिजेक्ट किया गया है। जयदीप मजूमदार एक बात बताइए, आप नॉर्थ ईस्ट को फॉलो करते हैं, मुझे बताइए पिछले 4 साल के अंदर क्या मेघालय में बंद कम हुआ है नहीं, क्या नागालैंड में बंद कम हुआ है कि नहीं, त्रिपुरा से आसपा हटा है कि नहीं, अगर ये सब हुआ है तो फिर ये किसी की वजह से तो हुआ है, इन पार्टियों की वजह से तो नहीं हुआ जो पिछले इससे पहले 30 साल तक वहां काबिज थी। देखिए मेरा कहना है कि बीजेपी का जो ग्रोथ हो रहा है वहां नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय बोलिए त्रिपुरा बोलिए, ये इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ, धीरे धीरे हो रहा है लेकिन हो रहा है, सही दिशा पे जा रहे हैं ये पार्टी। नंबर वन, अगर आप बोलते हैं कि 0 से 4 हुआ, क्यों 4 हुआ, ये दिस इज हार्डली एन इंक्रीज, तो हम तो बोल सकते हैं कि तृणमूल को देखिए आप, 0 था कितने, 11 MLA ज्वाइन किया तो 0 से 12 हो गया, लेकिन उसी बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक ग्रोथ तृणमूल का, आप अगले 2 साल में देखेंगे या तो 1 साल में देखेंगे या कई महीने में देखेंगे, तृणमूल का जो 5 MLA है पूरा सबके सब तृणमूल छोड़ के भाग गया दूसरे पार्टी में, ऐसे ग्रोथ नहीं चाहिए ना। बीजेपी का ग्रोथ इज वेरी डिफरेंट, बीजेपी का ग्रोथ ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे, संगठन इन लोगों ने कर रहा है, 60s से शुरू हुआ है जब संघ परिवार वहां नॉर्थ ईस्ट में काम शुरू किया था, तो अभी ये धीरे धीरे हो रहा है, ये सही दिशा पे जा रहा है। अब त्रिपुरा में भी नहीं बोल सकते 3 सीट का कम हो गया, 3 सीट तो ग्रोथ कैसे हुआ है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि त्रिपुरा में अगर त्रिपुरा मोथा 0 से 11 पहुंचा है, यानी कि बहुत बड़ा इशू है वहां, IPFT जो एक टाइम पे काफी सीटें लेकर था, पिछली बार 8 सीटें था, आपकी बार कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। अब त्रिपुरा का ट्राइबल्स को अगर आप ये सपने दिखाते हैं कि हमारा स्टेट, वो देखिए ट्राइबल्स, दे पुअर ट्राइबल्स, बैकवर्ड ट्राइबल्स, बाई नेचर बहुत इनोसेंट और बिलीविंग होता है, तो इनको ये सपने दिखाए हैं कि हम अलग सा स्टेट बना लेंगे,
तो इसीलिए ट्राइबल लोग वहां वोट दिए हैं। ये ट्राइबल्स लोग देखने नहीं गए हैं कि ये एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, होगा नहीं कभी भी। लेकिन तिपरा मोथा ने अलग स्टेट की बात नहीं की है, तिपरा मोथा ने अलग स्टेट की बात नहीं की है। तिपरा मोथा ने ये कहा है कि वहां के जनजातीय लोग जो आदिवासी हैं उनको अलग सा, उन्होंने ग्रेटर तिपरा लैंड की तो बात की थी लेकिन उसको भी आप कम करके उन्होंने कहा है कि हमें लिखित में वादे चाहिए कि इंडिजिनस पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज नहीं किया जाएगा। जो बंगाली भाषी हिंदू हैं वो वहाँ के त्रिपुरी हिंदुओं के ऊपर चढ़ के नहीं बैठेंगे। त्रिपुरा के जो ओरिजिनल लोकल लोग हैं उनको मौका अवसर दिया जाएगा, यहाँ तक की बात हुई है। और के शर्मा जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि 5 साल में भी आप जो ओरिजिनल इंडिजिनस त्रिपुरी लोग हैं उन पर उनका विश्वास आप नहीं जीत पाए। ट्राइबल बेल्ट में कम से कम 20% वोट शेयर गया है, आंकड़े अभी पूरी तरह सेट नहीं हुए लेकिन 11 सीटें जीतना यानी कि 18 से 20% वोट शेयर। मुझे आश्चर्य है इस तरह के विश्लेषण पर कि तिपरा मोथा की बात करें, एक तरफ तस्वीरें दिखाऊं आपको रंगारंग, और मैं अपने विजय से कहूंगी कि तेज कदम में चलते हुए पूरा जो ये रास्ता है आपको तस्वीरें दिखाएं कि तिपरा मोथा के जो समर्थक है वो दूर दूर से जिलों से आकर के यहाँ पर कान लगा करके एक एक जो अपडेट आ रहा है काउंटिंग सेंटर से वो सुन रहे हैं। 4 राउंड्स के बाद, एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी दूं अमन, 4 राउंड्स की लगभग गिनती हो चुकी है। करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी लेफ्ट कांग्रेस का जो अलायंस है उनके बीच में 200-300 मात्र वोटों का अंतर है। तो अब जो है थोड़ी देर में परिस्थिति पूरी साफ हो जाएगी कि ये हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है या फिर क्लियर किसी को जो है वो मेजोरिटी मिलती है सरकार बना ले लाए। इस बीच देखिए तिपरा मोथा के जो समर्थक हैं उनकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आदिवासी वोटर हैं ये वो वोटर हैं जिन्होंने इस बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ा जो है तिपरा मोथा जो पिछले चुनाव तक दल भी नहीं था, कांग्रेस में थे प्रद्युत देवबर्मन, वहाँ से निकले, अपना दल बनाया और अब 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, 20 सीटों पर दावा ठोक रहे थे लेकिन फिलहाल डबल डिजिट में मामला तो जा ही रहा है, ये साफ जो ट्रेंड्स हैं वो दिखा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग, कितने घंटे से? हम त्रिपुरा से। कहाँ, कितनी दूर? अच्छा, तो क्या तैयारी है सेलिब्रेशंस वगैरह की? सेलिब्रेशन की तैयारी है। ये देखिए ये युवा पीढ़ी बिल्कुल फोन में घुसी हुई है। आगे देखिए ये पूरी सड़क आपको जो है आपको बैठे हुए नजर आएंगे तिपरा मोथा के ये जो समर्थक हैं दूर दूर से आए हैं। और तिपरा मोथा को ही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर संख्या कम रह जाती है तो किंग यानी प्रद्युत जिनकी ये पार्टी है, त्रिपुरा के महाराज हैं, उनको ही किंग मेकर बनना पड़ेगा, वो उसकी भूमिका में आ जाएंगे और हो सकता है कि सत्ता की सीढ़ी भी वो चढ़ें अगर भाजपा की 1-2 सीटें कम रह जाती है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सुबह तक दावा किया है कि नहीं पूरी मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे लेकिन अगर कम रह जाते हैं तो क्या तिपरा मोथा साथ आएगा? लेकिन तिपरा मोथा जहां भी लड़ रही है या तो बहुत कम उनको वोट्स मिले या बहुत ज्यादा, तो क्लियर कट जो एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, एक कारण से एक कह सकते हैं कि एक आंदोलन शुरू किया ना सिर्फ एक पार्टी प्रद्युत देव बर्मन ने, वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी, लेफ्ट कांग्रेस का जो अलायंस है एक तरफ वो एक तरफ बीजेपी, कांटे की टक्कर चल रही है। तो अगर कहीं ना कहीं संख्या कम रह जाती है अमन तो बड़ी भूमिका में तिपरा मोथा आ सकते हैं, प्रद्युत देव बर्मन आ सकते हैं। और जो पहले भी मैंने आपको बताया 11 सीटें करीब आशिका आपके पास आ रहे हैं। शालिनी इस वक्त नागालैंड से जुड़ गई हैं। शालिनी, नागालैंड में तो पिक्चर क्लियर है? बिल्कुल अमन, नागालैंड में पिक्चर क्लियर है और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी मैं ये बात बता रही थी कि किस तरह से नागालैंड में विपक्ष था ही नहीं, चुनावों के पहले भी विपक्ष यहाँ पे था नहीं और लगभग वैसी स्थिति चुनाव के बाद की भी शुरू से ही समझ में आ रही थी क्योंकि सिर्फ एनडीपीपी और बीजेपी का अलायंस ऐसा था जिसने 60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा है, बाकी पार्टियों ने तो 60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा भी नहीं था। तो वो स्थिति पहले ही साफ थी जब 30 जो मेजोरिटी का आंकड़ा है 30-31 का, जब उतनी सीट पर ही कोई पार्टी नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, तो स्थिति पहले से ही स्पष्ट समझ में आ रही थी।
एकमात्र एनपीएफ की अगर हम बात कर लें तो वो भी सरकार को समर्थन कर ही रही थी, और इसीलिए बार बार मैं ये कह रही थी कि विपक्ष जहां है ही नहीं वहां कौन सी पार्टी किसके विरुद्ध चुनाव लड़ रही है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, वो समझ पाना जरा मुश्किल दिखाई दे रहा था। मैं डीसी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर बिल्कुल सन्नाटा है। इसके पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, एक भी कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के बाहर नहीं था, क्योंकि नागालैंड का ये चलन नहीं है कि अगर आप जीत गए तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो हल्ला हो। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि देखिए नलिन कोहली से तो हमने बात कर ली, लेकिन वो चेहरा जो बहुत ज्यादा फेमस है नागालैंड के अंदर अलोंगतकी सीट से तेमजन इमना जो कि अध्यक्ष है यहाँ के, वो भी न दीमापुर में दिखाई दिया और ना ही वो कोहिमा गए जो कि यहाँ की राजधानी है, वो सीधा अपने क्षेत्र चले गए। अमूमन यहाँ पर यही होता है अमन की जो चुनाव जीता है वो अपने घरों की ओर रुख कर लेता है और बहुत ज्यादा यहाँ पर हो हल्ला या धूम धड़ाका नहीं होता है। सुबह कुछ समर्थक मुझे दिखाई दे रहे थे, पिक्चर जैसे जैसे क्लियर होती गई वो भी अपने अपने घरों को लौटते चले गए। तो इतना जरूर है कि यहाँ पर क्लियर मेजोरिटी एनडीपीपी और बीजेपी के पास है, लेकिन सोचना कांग्रेस को है क्योंकि 2013 में 28% वोट शेयर था कांग्रेस के पास, 8 सीट उस वक्त थी, और ये 10 साल के अंदर क्योंकि 2013 में बीजेपी को 2% वोट भी नहीं मिला था और सीट मात्र एक उसके पास थी, तो ये इतना बड़ा उलटफेर 10 साल के अंदर कि कांग्रेस खत्म हो गई और बीजेपी यहां पर पार्टी भले ही अलायंस में लेकिन पार्टी बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कांग्रेस को सोचना होगा। और इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में जब चुनावी कैंपेन चल रहा था तो हमने देखा राहुल गांधी एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए नागालैंड में आए ही नहीं, तो ये लगभग वैसी स्थिति थी कि आपने चुनावों के पहले ही सरेंडर कर दिया हो। 22-23 सीट के ऊपर यहाँ पर चुनाव लड़ी है कांग्रेस, तो उस स्थिति में अगर सारी की सारी सीटें भी कांग्रेस जीत जाती तब भी ये पता था कि उनको आना तो है नहीं, क्योंकि 30 सीट के ऊपर अनाउंसमेंट कुछ हो रही है यहाँ पर हमें सुनाई दे रहा है। तो लगभग स्थिति चुनावों के पहले से ही अमन क्लियर थी कि यहाँ एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार आने वाली है। जो कुछ एक पार्टियां थी जैसे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, उसने पहले ही कह दिया था बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां वहां हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो एनडीपीपी के सामने तो 15 कैंडिडेट एलजेपी ने उतारे थे, उसका मतलब भी साफ था कि अगर वो जीत जाएंगे तो फिर बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। तो स्थिति चुनावों के पहले से ही अमन यहाँ पर यही दिखाई दे रही थी कि पार्टी एनडीपीपी और बीजेपी की बननी है जी। और त्रिपुरा में 32 हो गई है बीजेपी, बड़ी खबर है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, 29 से 32, सोचिए 31। और जो अभी आशिका जिसका जिक्र कर रही थी कि हो सकता है त्रिपुरा में उठा की जरूरत पड़े, वो जरूरत पड़नी नहीं है। यहां पर बीजेपी 32 सीटों पर इस वक्त आगे हो गया, बहुमत का आंकड़ा 31 है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को रुझानों के हिसाब से बहुमत मिल चुका है, 32 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी कि सरकार रिपीट हो रही है त्रिपुरा में। पहले वहां पर बीजेपी की सरकार थी, बिप्लब देव मुख्यमंत्री थे, फिर माणिक साह को मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रो इनकम्बेंसी। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग तय, 32 सीटों पर बीजेपी। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी एनडीपीपी के साथ मिलकर बीजेपी और एनडीपीपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मेघालय को लेकर पेंच फंसा हुआ है, मेघालय में 60 चाहिए, एनपीपी 26 पर है। अन्य की भूमिका, बीजेपी की भूमिका क्या होगी? हमारे साथ इस वक्त विवेक हैं। विवेक, त्रिपुरा क्लियर 32? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं आप जिस तरीके से उसका आपकी समीक्षा कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। और एक दिन पहले से ये सभी लोग ऐसी फिगर की आस लगाए बैठे थे और अभी जो दिख रहा है उसमें कुछ नयापन नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि मेघालय पर आकर थोड़ा हिचकिचाहट इसलिए हो रही है, हंग असेंबली की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ भी अगर आप जोड़ घटाओ थोड़ा कर लें, जोड़िए ही अभी अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी फिगर एक दिखता है। लेकिन मेघालय से अभी क्या खबर है, क्या बड़ी न्यूज़ है ये हम आपको बताते चलते, क्या खबर है? देखिए अभी तक जो माना जा रहा है कि जो वेस्ट जयंतिया हिल्स है उसमें नर्तेंग की जो सीट है उस पर एनपीडी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, लगभग बहुत कम मार्जिन है जीतने में, तो अभी हम कह सकते हैं कि कुछ सेकंड का अंतर है, उसके बाद हम फिर से डिक्लेयर करेंगे। ये कम मार्जिन क्यों है, क्या ये बरकरार रह रहा है, क्योंकि मेघालय में हम अक्सर देख रहे हैं दो सीटों पर हमने इस तरह का विश्लेषण किया। अभी कई राउंड की इसमें जो हमने अभी जो काउंटिंग हुई है, हाँ कि जितने राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें देखा है कि लगभग 300 400 500 700 का इतना ही मार्जिन रह रहा है सिर्फ, कई सीटों पे ऐसा है। बिल्कुल सरप्राइजिंग है, थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन प्रांजल हमें बताएंगे, प्रांजल जरा सुनिएगा, ये सरप्राइजिंग है क्यों इतना मतलब कम वोटों का अंतर है, क्योंकि अभी अब जब मेघालय की तरफ जा रहे हैं तो हमें थोड़ी हिचक हो रही है। खबर ये जरूर है कि वहां से कौन जीत रहा है ये पक्की है, लेकिन यहां पर थोड़ा सरप्राइजिंग कुछ लगता है। देखिए जो वोटर बेस है वो तो वही है, तो तीन पार्टीज के बीच में अभी वो डिवाइड हो गया है, पहले था कांग्रेस और एनपीपी, अब ये तीन पार्टीज में डिवाइड हो गया है, कांग्रेस एनपीपी और टीएमसी।
तो इसीलिए वोटर्स के जो इस बार की वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, इसीलिए पहले जो मार्जिन्स आपको दिखाई पड़ते थे कि 2,000-3,000 के मार्जिन्स, वो अभी जाके कहीं 400-500 के मार्जिन्स हो गया है, क्योंकि वोट डिवीजन हो गया वहाँ पे, तो इसीलिए मार्जिन्स बहुत कम हो चुके हैं। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, पर जब तक हम श्योर शॉट नहीं हो सकते तो और इतने छोटी मार्जिन में हम किसी को डिक्लेयर। और कितने राउंड तक इंतजार करना हो? और एक राउंड, दो राउंड, उससे ज़्यादा नहीं। अभी तो फिफ्थ राउंड तक हम पहुँचे हैं, 6-7 राउंड होंगे, उससे ज़्यादा तब तक, और एक राउंड के बाद शायद वो मार्जिन हमें क्लियरली पता चल जाएगा। मार्जिन पता चलेगा अमन, और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसकी जीत हो रही है। लेकिन सबसे पहले जो सटीक फिगर के साथ हम आ रहे हैं, थोड़ी रफ्तार कम है लेकिन जो सटीक फिगर है वो हम जरूर बता रहे हैं। अमन, मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हमारे जुड़ चुके हैं। मनोज जी, त्रिपुरा तो हो गया क्लियर 32 सीटों के साथ, सरकार रिपीट कर रहे हैं आप? जी देखिए अमन जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो संवेदनशील नीति और दूरदर्शितापूर्ण जो नीति अपनाई गई थी, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग त्रिपुरा में भी रिपीट कर रहे हैं और नागालैंड में भी रिपीट कर रहे हैं, और मेघालय का भी अंतिम परिणाम आने दीजिए, स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। देखिए नमन जी, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को दरकिनार किया गया, द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया, एक वो समय था जब कैडर राज चलता था, जब सीपीएम के गुंडे किस तरह से जंगल राज को बढ़ावा दे रहे थे, ब्लॉकेड होता था वहां पर, कर्फ्यू लगे रहते थे, आगजनी होती थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शितापूर्ण नीति का ही परिणाम है और उनकी संवेदनशील नीति का ही परिणाम है कि एक आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री लगातार 52 से 53 बार दौरा किए हैं पिछले 8-9 सालों के अंदर। हर 15 दिन के अंदर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर जाते हैं और वो आधारभूत संरचना को मजबूत करने का वहां पर काम किया, एक हीरा मूल मंत्र दिया हमने, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज को किस तरह से कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए वहां पर। और आज डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसी का परिणाम है कि लगातार हमें जीत मिली है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बनती है तो वहां की जनता जनार्दन जरूर निश्चित रूप से हमें दोबारा भी आशीर्वाद देती है, क्योंकि आपने देखा कि लगातार हम मणिपुर में भी दोबारा रिपीट हुए, गोवा में रिपीट हुए, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड और गुजरात का तो आपके सामने एग्जाम्पल है। तो ये जनता जनार्दन की जीत है, जनता जनार्दन लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताती है, जनता जनार्दन लगातार दिखाती है कि हम विकास पुरुष के साथ में हैं, विकास की जो राजनीति करता है उनके साथ में है। कहते हैं कि मेयर से लेकर मेघालय के चुनाव तक चेहरा सिर्फ एक होता है हमेशा आपके पास, मोदी जी। तो ये गर्व की बात है हमारे लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ना केवल देश के चेहरा है बल्कि ग्लोबल चेहरा है, और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो शीर्ष पद पर है, वो एक ग्लोबल चेहरा है। इनके पास चेहरे भी नहीं है, ना नेता है, ना नीति है, ना इनकी नीयत साफ है, इनकी नीयत भी साफ नहीं है। और इनके मल्लिकार्जुन खड़गो जी तो बोल रहे थे कि अंगूर खट्टे हैं, कि छोटे राज्यों के चुनाव थे। अब ये बताइए कि पिछले 7 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी जीती है जिसमें से, तो छोटा हो या बड़ा हो चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव की दृष्टि से लड़ना होता है। लेकिन इनके पास नेता भी नहीं है, ना नीति है, ना नियत है, इनके नेताओं की साख इतनी गिरी हुई है। अभी मैं कुछ प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि कुछ बूथ कैप्चरिंग हुई है। तो ये लोग लगातार क्या करते हैं, कभी सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। और मैं तो बड़ा आहत और पीड़ित हूँ, महसूस कर रहा हूं कि एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया संचालित की जाती है और बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं, उन पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। आप क्यों आहत हो रहे हैं? सवाल उठाते हैं, देखिए हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ये लोग सवाल उठाते हैं, तो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं बताइए। नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचने की कैपेसिटी है नहीं, बोल रहे हैं बता रहे हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई करने के लिए कि बेशक आप लोग जीत रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि वो कि सेकुलरिज्म की जीत हो वो चाहते हैं, मतलब आप लोग जीत रहे हैं तो क्या कम्युनलिज्म की जीत हो रही है? वो कह रहे हैं कि हम चाहेंगे सेकुलरिज्म की जीत हो। ये कौन से सेकुलरिज्म की बात करते हैं मुझे बताइए अमन जी, किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और किस कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं? ये इनका सेकुलरिज्म ये है कि ये देश, ये जो कांग्रेस पार्टी है मुसलमानों की पार्टी है, ये सेकुलरिज्म ही इनका, ये देश के संसाधनों पर पहला एकाधिकार केवल मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है, ये सेकुलरिज्म ही इनका। लगातार 370 का विरोध करना सेकुलरिज्म है क्या इनका? वो किस बात की बात करते हैं ये जो लगातार सेना पर सवाल उठाने का? अच्छा मनोज जी, एक मिनट रहिएगा मनोज जी, एक बड़ी बात सारा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में राहुल लाल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल जी, अमित शाह ने कहा था दूरबीन से ढूंढते रह जाएगी कांग्रेस, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढिए जो नंबर है इस वक्त, ढूंढिए आप कांग्रेस को राहुल जी, ढूंढिए। मैं तो बीजेपी को दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूँ, मैं तो बीजेपी को पीछे 31 नहीं, देखिए ना वो आंकड़े कितने बदल रहे हैं। अच्छा, अब देखिए त्रिपुरा के आंकड़े कांग्रेस को ढूंढिए ना। नहीं ना, मैं पूरा कर दूं, दूरबीन देता हूं, दूरबीन दूं ना, दूरबीन भी मैं लेके आया हूं, सब कुछ लेके आया हूं अमन जी, सब कुछ लेके आया हूं मैं। दो तीन पॉइंट रख दूं, देखिए
जिस तरह से अगर हम लोग त्रिपुरा के आंकड़े देखते हैं तो वो आंकड़े देखिए अभी अभी इसमें 31-17-10 दिख रहा है आपको, लेकिन सुबह से लगातार ये आंकड़े ऊपर नीचे जा रहे हैं, यानी टिपरा माथा कई बार ऊपर भी जा रहा है। तो अभी जब तक इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए, एक संभावना ये बन सकती है कि टिपरा के साथ भले बीजेपी कह रही है कि हम लोग संपर्क में हैं, लेकिन उनके साथ साथ लेफ्ट गठबंधन के बोलते बोलते 31-32 हो गया ऊपर, मैं अभी तो बढ़ रहा है, बीजेपी बढ़ रही है, आपके बोलते अभी बढ़ रही है वो, लेकिन अभी इसमें जोड़ घटाव जा रही है। लेकिन अब देखिए ये बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं, मेघालय में कितने सीट पे है आप देख लीजिए, बीजेपी 4 पे है, कांग्रेस 4 पे। अगर ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इनकी आंधी बह रही है, आंधी तूफान बह रही है, तो आप तो सत्ता में थे, फिर बाद में अचानक से जो है कि आपने अपने घटक दलों को छोड़ा और 4 सीट पे आ गए। और अभी जो मनोज जी ज्ञान दे रहे थे संवैधानिक संस्थाओं को लेके, तो मनोज जी वो टिप्पणी कोई हमारी और आपकी टिप्पणी नहीं है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, जिन्होंने जिनको लग रहा है कि अब उसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है कि कॉलेजियम से की जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन को लेके। तो वो एक तरह से रिफॉर्म्स की जो सख्त जरूरत थी, चूंकि आप लोग जिस तरह से नियुक्ति में ही नियुक्ति को लेकर तमाम तरह की चीजें आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह पे किया है कि किस तरह से न्यूट्रल ढंग से न्यूट्रल व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन का जो है कि मेंबर बनाया जाए, वो एक प्रयास था, इसलिए वो टिप्पणी किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिप्पणी नहीं थी। अच्छा, उस पर अभी जाते हैं। अभी जो मनोज जी से सवाल पूछा ना आपने मेघालय को लेकर, मनोज जी मेघालय को लेकर सवाल है आपसे कि भाई सरकार थी आपकी तो एनपीपी बीजेपी साथ में थी, कहां 4 पर रह गए आप, तो ये पूछ रहे हैं राहुल जी। देखिए हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ, इस बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है भाई, मैंने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर कुछ नहीं बोला है। राहुल लाल जी कम से कम आप पढ़े लिखे, आप राहुल गांधी जैसी बातें तो कम से कम मत किया कीजिए। वो कभी कभी क्या करते हैं कि आलू से सोना उगाने लग जाते हैं, सोने से आलू बनाने लग जाते हैं, वैसा तो कम से कम मत करिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति है। मैंने सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी टिप्पणी के ऊपर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय का जो कमेटी बनाने का काम किया है या जो भी उन्होंने संज्ञान लिया है निर्वाचन आयोग के मामले में, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय की हर चीज को हम लोग मान्य मानते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च संस्था है, हम मानते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। लेकिन राहुल लाल जी आप लोग हैं कहां, आप तो सीपीएम के साथ भी अरे हम तो देखे ना गल भैया कर आप कहां है राहुल जी, एक हां बोलिए और आप कंप्लीट और राहुल लाल जी मैं एक बात और राहुल लाल जी आप ही के मैं आपको मानूं या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, वो तो हार स्वीकार कर चुके हैं कि तो छोटे राज्यों के चुनाव थे, अंगूर खट्टे हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं खा पाए तो कोई बात नहीं। तो आप ही के नेता कह रहे हैं, और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि अभी रुझानों में छोटा राज्य क्या होता है, ये इन्हीं के मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि ये तो छोटे राज्यों के चुनाव थे, छोटी सोच का नतीजा है, जो छोटा राज्य मानते हैं। की बात को मानूं भाई, अगर ये कहा है मुझे नहीं पता, अगर ये कहा है तो राहुल लाल की बात को मानूं या मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उत्तर पूर्व के राज्य, एक मिनट राहुल जी सुनिए ना, आराम से बात करते ना, अगर उत्तर पूर्व के राज्य जो बाइट है आप सुन लीजिए दोबारा से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला है, छोटी सोच है भाई, क्यों ऐसा सोचना उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए राहुल जी, राहुल लाल बिल्कुल उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए, छोटे राज्य क्या होते हैं ये, नहीं छोटे राज्य नहीं, जब उनसे पत्रकार ने ये पूछा कि 2024 के संदर्भ में इन नतीजों को कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज कहा कि 2024 चूंकि लोकसभा के चुनाव में, तो स्पष्ट है कि उसको लेके केवल आप तो बोनी होती है ना, 24 की बोनी तो गई, बोनी तो कहते हैं ना भाई, हम लोग जब तो बोनी आप जब शटर खोलते हैं तो बोनी जिसकी अच्छी है, हम लोग तो शटर खोला और आपका शटर डाउन, राहुल जी 24 का शटर आज ही खुला है ना, 23 में पहले चुनाव के नतीजे, तो बोनी शुभ मानी जाती है ना, तो बोनी तो बीजेपी की हुई है, आपका तो आज ही शटर डाउन, सोचिए कहां है कांग्रेस, दो दिन से ढूंढिए आप। देखिए बीजेपी की बोनी त्रिपुरा में ठीक ठाक उनकी संख्या नागालैंड, मैं उसको मानता हूँ, नागालैंड में भी बोनी है, नहीं नागालैंड में तो देखिए नागालैंड में तो उन्होंने पूरा का पूरा वहाँ पे विपक्षी नहीं रहने दिया, पूरा का पूरा हर पे जितने क्षेत्रीय दल थे सबों को उन्होंने जो है कि किसने नागालैंड की स्थिति बीजेपी ने, तो वहाँ पे अभी अगर मैं तो केवल एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अगर पूर्वोत्तर में इतनी जबरदस्त सफलता मिली है तो फिर मेघालय में सत्तारूढ़ होने के बावजूद भी वो 4 के संख्या पे क्यों अटकी हुई है, और बगल में 4 के संख्या पे मैं कांग्रेस को भी देख रहा हूँ, तो 4 कांग्रेस 4 बीजेपी, तो सोचिए जनता ने कितना अच्छा न्याय कर दिया है। तो देखिए इस चीजों को छोड़िए, जनता जो बड़े संकेत दे रही है, आप त्रिपुरा में सोचिए कि 2018 में किस तरह से परसेंट वोट मिला हुआ था। राहुल जी एक चीज कहते हैं, कभी कभी अपने दुख से उतना कष्ट नहीं होता लेकिन दूसरे के दुख से ज्यादा सुख, मतलब दूसरे के दुख से जितना खुशी होती है ना, आपका वही हाल है, अपने 4 है अपना नहीं बुरा लग रहा, बीजेपी 4 है उसकी खुशी आप मना रहे, दूसरे के दुख से आप ज्यादा खुशी। मनोज 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 बोलिए मनोज। अमन जी, अमन जी, हाँ अमन जी,
अमन जी, ऐसा है कि जब उस समय हमने, जब पिछली बार हमने चुनाव लड़ा था तो हमारा गठबंधन था, लेकिन इस बार हमने कहा कि हमारे नेताओं ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि हम लोग अपने एकला चलो की नीति पर हम लोग चले। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये बताइए, त्रिपुरा में तो आप लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं, आप नागालैंड में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे नागालैंड छोड़िए, पिछले 7 राज्यों के चुनाव में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और आप कहां हैं, नदारद होते जा रहे हैं। तो ये अपना आत्ममंथन नहीं करते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले, दूरबीन से भी देखने को नहीं मिलेगी। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वालों से मेरा सवाल है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वालों से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने तो छोटे राज्यों उनको दोयम दर्जे का व्यवहार किया। उत्तर पूर्व के साथ में आपने वहां आगजनी होती थी, इंसर्जेंसी लगी रहती थी, कर्फ्यू लगा रहता था, कभी आपने ध्यान दिया उत्तर पूर्व की तरफ? कभी ध्यान ही नहीं दिया आपने। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टिता है कि वहां पर लगातार माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं 52 से 53 दौरे किए उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये हमारी सोच है उत्तर पूर्व के लिए, ये आपकी सोच थी कि किस तरह से उनको गड्ढे में डाल रखा था आपने। अब मैं जरा उसी का परिणाम है कि हमें, आपने देखा कि मणिपुर में भी दोबारा से हम लोग जीत करके आए और इस बार भी निश्चित रूप से रिपीट कर रहे हैं। आपने बोला था आप दूरबीन लाए हैं, अब लेकर आइए कहां है फिर आप? मैं दूरबीन लेके आया हूं ना, मैं बता रहा हूं। तो लाइए ना, कहां है, ढूंढिए ना। अभी भी संभावना त्रिपुरा, कांग्रेस को ढूंढिए ना, पहले दूरबीन लेकर आइए। आपने बोला आप दूरबीन लाए ना? बिल्कुल लेके आया हूं, देखिए लाइए ना। मैं 4 संख्या को भी स्वीकार कर रहा हूं, नागालैंड में कांग्रेस की 3 के संख्या को भी स्वीकार कर रहा हूं, वो दूरबीन 4 और 3 सारे संख्याओं को देख रहा है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, जो 2-3 सवाल यहाँ पे देखिए, त्रिपुरा को लेके अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 2 संभावनाएं बनी हुई हैं, वहां पे बीजेपी गठबंधन की भी सरकार बन सकती है और वहां पे लेफ्ट का त्रिपुरा के साथ जो अगर आंकड़े आते हैं तो उसकी भी संभावनाओं को हम लोग खारिज नहीं कर सकते। तो एक तो अगर मान लीजिए कि वहां पे संभावना नंबर 2 आ गया। एक मिनट विवेक के पास चलते हैं, लाइव रिजल्ट हब से विवेक के पास एक बार चलते हैं। विवेक का कोई अपडेट, क्योंकि बीजेपी 33 त्रिपुरा में और 36 नागालैंड बीजेपी और मेघालय में 27-4, कोई अपडेट? मेघालय में क्या अपडेट है अभी? देखिए मेघालय में मैं आपको बता दूं कि जिसको अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था कि वेस्ट जयंतिया हिल से जो नरतंगा है वहाँ से जो ये है स्नेह बाउल बलंगधर, ये पहले लीड कर रहे थे लेकिन अब इसको डिक्लेयर कर दिया गया 2123 सीट से वोटों से ये जीत गए। चलिए पहला रिजल्ट हमने आपको बताया यहाँ पर मेघालय से जीत का, लेकिन नागालैंड की तरफ अगर हम रुख करें तो नागालैंड से क्या खबर है ये भी हम जानते हैं। नागालैंड से क्या जीत हार का आंकड़ा अभी क्या कहता है? जी वहाँ पर अभी जो NDPP है वो 20 पे लीड कर रही है, 3 जीत चुकी है, बीजेपी भी 11 पे लीड तक बने किसी की। तो ये कांग्रेस को के पीछे पीछे घूमते हैं हाथ लेके और इनके पास रास्ता ही नहीं है तो इन्हें पूछेगा कौन? तो समस्या ये है कि आज अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए इनके किसी से भी समझौता कर लेना, विचारधारा नाम की कोई चीज इनकी बची नहीं है। अब ये कह रहे कि साहब ये जो धर्म सांप्रदायिकता बनाम ये, अरे साहब ये छूट गया, ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है भाई साहब, ये अब उस चकल्लस में आपके फंसने वाला नहीं है जो आप लोगों ने 60 साल तक जो ये घुट्टी पिलाई हुई थी, ये घुट्टी से देश बहुत आगे निकल चुका है। अब देश जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, आगे निकल चुका है, विश्व महाशक्ति बनने जा रहा है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इस मंत्र मूल इस मूल मंत्र को लेकर अगर आप चले हैं तो आप मेघालय में के शर्मा जी 2 से 4 पर पहुंचे हैं, तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वहाँ क्या कहाँ से हुआ? नागालैंड में भी रुकिए NPP 28 पे पहुंची है, नागालैंड में भी आप बीजेपी प्लस हमने यहाँ लिखा है लेकिन वहाँ तो लीडिंग पार्टी NDPP है। NDPP को कितनी सीटें मिली, आपको कितनी सीटें मिली है? 60 में से 40 वो लड़े, 20 आप लड़े, 20 में से आप कितने जीते हैं? नहीं नहीं मुझे एक चीज बताइए, मेघालय में हम कितनी सीट पर थे? 2, अभी 4। आज उससे हम वहां पर बढ़े या नहीं बढ़े? अरे 2 से 4 हो गए तो आप बहुत खुश हैं। नहीं, 2 से 4 होने में आप कैसे खुश हो गए? त्रिपुरा मोर्चा तो 0 पे था, 11 पे आ गया। अरे सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम धीरे धीरे पूर्वोत्तर में अपनी बढ़त तो बना रहे हैं ना। नहीं, लेकिन वहां पर अपनी बढ़त बना रहे हैं के बाद, और नागालैंड में भी हम बढ़ा रहे हैं। 5 साल से 5 साल कहां सरकार में रहे हैं? 5 साल मेघालय में सरकार में रहने के बाद और इसमें रहने के बाद आप 2 से 4 सीटें गए हैं, तो आपने कौन से ज्यादा गेन्स कर लिए? मैं बता रहा हूँ वहाँ अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों का ही वर्चस्व है, नागालैंड में भी क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व है, बीजेपी का फुटप्रिंट बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने आउटरीच नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने विकास की का मूल मंत्र वहां नहीं लेके गए, आपके मंत्री वहां नहीं पहुंचे, आपने स्कीम्स नहीं लाए नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया, सब कुछ मैं मान रहा हूँ सरकारी पॉलिसीज के तरीके से आपने किया है,
लेकिन एज अ पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी आप ग्रो कर पाए हैं कि नहीं? पार्टी में आपने आपने ग्राउंड पे जगह बनाई है कि आपके एलाइज के पर निर्भर है, नेडा पर आप निर्भर है ना? नहीं नहीं सुनिए सर, ऐसा है कि हम पूर्वोत्तर में इसके पहले कहीं नहीं थे जी। हम धीरे धीरे वहां अपनी बढ़त बनाते जा रहे हैं। यही आसाम था जहां हम इतने वर्षों तक लड़ते रहे और फिर हमने आसाम में अपनी सरकार रिपीट की और फिर पहले से ज्यादा बहुमत सीटें लेकर हम आए। अभी मेघालय में हम जो है कभी सरकार में नहीं रहे, हम मेघालय में अपनी जो है संगठन भी बढ़ा रहे हैं और वहां की उस विषम परिस्थिति में हम जो है वहां आगे बढ़ रहे हैं। दो से चार हुए हैं, आने वाले समय पे देखिए और क्या होता है। इसी तरह आप जो है नागालैंड में देखेंगे तो वहां भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे वहां वोट परसेंट। यहां जो है मेघालय में हम पहले 1-2% वोट शेयर था, आज 10.5% वोट शेयर हमारा वहां हुआ है। तो आप यदि ये देखोगे तो ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? लेकिन हम कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो वहां सत्ता पे बैठे हुए थे आज वो जमीन छू रहे हैं, उनको इसकी चिंता नहीं हो रही है। कांग्रेस को ही तोड़ा है सर, ये एनपीपी जो है कांग्रेस टूटी ना, आइडियोलॉजी तृणमूल छोड़ के 75 साल से कांग्रेस ने बुरा काम किया है ना। आपकी आइडियोलॉजी को भी कोई पकड़ नहीं रहा है, बिस्वा शर्मा से आपकी आइडियोलॉजी को भी कोई नहीं पकड़ रहा। आपने किसको तोड़ा है? देखिए तोड़ा आपके साथ कांग्रेस, तोड़ा हो या छोड़ा हो, लेकिन आप जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं उसका रिजेक्शन है कि नहीं है? अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो अभी 6 में से 8 में बीजेपी की सरकार है। मिजोरम और सिक्किम भले ही रुष्ट हो फिर भी नेडा के पात्र हैं। इन 6 में से 4 जगह बीजेपी की ही सरकार है और 2 जगह तो रिपीट हुई है असम और मणिपुर में। हाँ, ये स्टोरी पिछले 6 साल में 2016 से 2023 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। 2016 से 23 के अंदर लेफ्ट कितना फिसली है, कांग्रेस कितना फिसली है, कौन कहाँ गया है, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक एनालिसिस और आप समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो एक वहां का ट्रेडिशन रहा है कि उसमें से 70-80% राज्यों ने देर लाइक टू कनेक्ट विद समबडी हु इज सिटिंग एट द सेंटर जी, अपार्ट फ्रॉम त्रिपुरा जहां पे लेफ्ट की सरकार थी जी। एक ऑब्जर्वेशन है जी। दूसरी ऑब्जर्वेशन असम में कांग्रेस की सरकार थी, अब दो बार से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। मणिपुर में अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। लिया है सर, अरे लिया है, दिया है। आरएसएस से एक आदमी नहीं उठा, ताली दो हाथ से बचती है। अगर आप भी तो नाकामी है ना, आप भी तो नहीं रोक पाए, आपकी तरफ तो नहीं आया वो, नहीं नहीं आपकी तरफ तो नहीं आया, लेकिन फिर आपसे भी छूट के निकल गए, आपसे भी छूट के निकल गए। तो आपकी विचारधारा को रिजेक्ट किया जा रहा है, जो बंद की विचारधारा थी, लाठी बांटा भाला बच्चा भाला अलगाववाद अलगाववाद की विचारधारा है, लोगों की जिंदगी को चरमराने की, वहां विकास नहीं लाने की जो विचारधारा है रिजेक्ट किया गया है। जयदीप मजूमदार एक बात बताइए, आप नॉर्थ ईस्ट को फॉलो करते हैं, मुझे बताइए पिछले 4 साल के अंदर क्या मेघालय में बंद कम हुआ है नहीं, क्या नागालैंड में बंद कम हुआ है कि नहीं, त्रिपुरा से आसपा हटा है कि नहीं? अगर ये सब हुआ है तो फिर ये किसी की वजह से तो हुआ है, इन पार्टियों की वजह से तो नहीं हुआ जो पिछले इससे पहले 30 साल तक वहां काबिज थी। देखिए मेरा कहना है कि बीजेपी का जो ग्रोथ हो रहा है वहां नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय बोलिए, त्रिपुरा बोलिए, ये इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ, धीरे धीरे हो रहा है लेकिन हो रहा है, सही दिशा पे जा रहे हैं ये पार्टी। नंबर वन, अगर आप बोलते हैं कि 0 से 4 हुआ, क्यों 4 हुआ, ये दिस इज हार्डली एन इंक्रीज, तो हम तो बोल सकते हैं कि तृणमूल को देखिए आप, 0 था कितने, 11 MLA ज्वाइन किया तो 0 से 12 हो गया, लेकिन उसी बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक ग्रोथ तृणमूल का। आप अगले 2 साल में देखेंगे या तो 1 साल में देखेंगे या कई महीने में देखेंगे, तृणमूल का जो 5 MLA है पूरा सबके सब तृणमूल छोड़ के भाग गया दूसरे पार्टी में। ऐसे ग्रोथ नहीं चाहिए ना, बीजेपी का ग्रोथ इज वेरी डिफरेंट। बीजेपी का ग्रोथ ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे, संगठन इन लोगों ने कर रहा है, 60s से शुरू हुआ है जब संघ परिवार वहां नॉर्थ ईस्ट में काम शुरू किया था, तो अभी ये धीरे धीरे हो रहा है, ये सही दिशा पे जा रहा है। अब त्रिपुरा में भी नहीं बोल सकते 3 सीट का कम हो गया, 3 सीट तो ग्रोथ कैसे हुआ है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि त्रिपुरा में अगर त्रिपुरा मोथा 0 से 11 पहुंचा है, यानी कि बहुत बड़ा इशू है वहां, IPFT जो एक टाइम पे काफी सीटें लेकर था, पिछली बार 8 सीटें था, आपकी बार कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। अब त्रिपुरा का ट्राइबल्स को
अगर आप ये सपने दिखाते हैं कि हमारा स्टेट, वो देखिए ट्राइबल्स, दे पुअर ट्राइबल्स, बैकवर्ड ट्राइबल्स बाय नेचर बहुत इनोसेंट और बिलीविंग होता है, तो इनको ये सपने दिखाए हैं कि हम अलग सा स्टेट बना लेंगे, तो इसीलिए ट्राइबल लोग वहां वोट दिए हैं। ये ट्राइबल्स लोग देखने नहीं गए हैं कि ये एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, होगा नहीं कभी भी। लेकिन तिपरा मोथा ने अलग स्टेट की बात नहीं की है, तिपरा मोथा ने अलग स्टेट की बात नहीं की है, तिपरा मोथा ने ये कहा है कि वहां के जनजातीय लोग जो आदिवासी हैं उनको अलग सा, उन्होंने ग्रेटर तिपरा लैंड की तो बात की थी लेकिन उसको भी आप कम करके उन्होंने कहा है कि हमें लिखित में वादे चाहिए कि इंडिजिनस पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज नहीं किया जाएगा, जो बंगाली भाषी हिंदू हैं वो वहाँ के त्रिपुरी हिंदुओं के ऊपर चढ़ के नहीं बैठेंगे, त्रिपुरा के जो ओरिजिनल लोकल लोग हैं उनको मौका अवसर दिया जाएगा, यहाँ तक की बात हुई है। और के शर्मा जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि 5 साल में भी आप जो ओरिजिनल इंडिजिनस त्रिपुरी लोग हैं उन पर उनका विश्वास आप नहीं जीत पाए, ट्राइबल बेल्ट में कम से कम 20% वोट शेयर गया है, आंकड़े अभी पूरी तरह सेट नहीं हुए लेकिन 11 सीटें जीतना यानी कि 18 से 20% वोट शेयर। मुझे आश्चर्य है इस तरह के विश्लेषण को कि त्रिपुरा मोदा की बात करें, एक तरफ तस्वीरें दिखाऊं आपको रंगारंग, और मैं अपने विजय से कहूंगी कि तेज कदम में चलते हुए पूरा जो ये रास्ता है आपको तस्वीरें दिखाएं कि त्रिपुरा मोदा के जो समर्थक है वो दूर दूर से जिलों से आकर के यहाँ पर कान लगा करके एक एक जो अपडेट आ रहा है काउंटिंग सेंटर से वो सुन रहे हैं। 4 राउंड्स के बाद, एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी दूं अमन, 4 राउंड्स की लगभग गिनती हो चुकी है, करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी लेफ्ट कांग्रेस का जो अलायंस है उनके बीच में 200-300 मात्र वोटों का अंतर है। तो अब जो है थोड़ी देर में परिस्थिति पूरी साफ हो जाएगी कि ये हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है या फिर क्लियर किसी को जो है वो मेजोरिटी मिलती है सरकार बना ले लायक। इस बीच देखिए त्रिपुरा मोथा के जो समर्थक हैं उनकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आदिवासी वोटर हैं ये वो वोटर हैं जिन्होंने इस बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ा जो है त्रिपुरा मोथा जो पिछले चुनाव तक दल भी नहीं था, कांग्रेस में थे प्रद्युत देवबर्मन, वहाँ से निकले, अपना दल बनाया और अब 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, 20 सीटों पर दावा ठोक रहे थे लेकिन फिलहाल डबल डिजिट में मामला तो जा ही रहा है, ये साफ जो ट्रेंड्स हैं वो दिखा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग, कितने घंटे से? हम त्रिपुरा से। कहाँ, कितनी दूर? अच्छा, तो क्या तैयारी है सेलिब्रेशंस वगैरह की? सेलिब्रेशन की तैयारी है? ये देखिए ये युवा पीढ़ी बिल्कुल फोन में घुसी हुई है, आगे देखिए ये पूरी सड़क आपको जो है आपको बैठे हुए नजर आएंगे त्रिपुरा मोथा के ये जो समर्थक हैं दूर दूर से आए हैं। और त्रिपुरा मोथा को ही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर संख्या कम रह जाती है तो किंग यानी प्रद्युत जिनकी ये पार्टी है, त्रिपुरा के महाराज हैं, उनको ही किंग मेकर बनना पड़ेगा, वो उसकी भूमिका में आ जाएंगे और हो सकता है कि सत्ता की सीढ़ी भी वो चढ़ें अगर भाजपा की 1-2 सीटें कम रह जाती है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सुबह तक दावा किया है कि नहीं पूरी मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर कम रह जाते हैं तो क्या त्रिपुरा मोथा साथ आएगा? लेकिन त्रिपुरा मोथा जहां भी लड़ रही है या तो बहुत कम उनको वोट्स मिले या बहुत ज़्यादा, तो क्लियर कट जो एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, एक कारण से एक कह सकते हैं कि एक आंदोलन शुरू किया ना सिर्फ एक पार्टी प्रद्युत देव बर्मन ने, वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी, लेफ्ट कांग्रेस का जो अलायंस है एक तरफ वो एक तरफ बीजेपी, कांटे की टक्कर चल रही है। तो अगर कहीं ना कहीं संख्या कम रह जाती है अमन तो बड़ी भूमिका में त्रिपुरा मोथा आ सकते हैं, प्रद्युत देव बर्मन आ सकते हैं। और जो पहले भी मैंने आपको बताया 11 सीटें करीब आशिका आपके पास आ रहे हैं, शालिनी इस वक्त नागालैंड से जुड़ गई हैं। शालिनी, नागालैंड में तो पिक्चर क्लियर है? बिल्कुल अमन, नागालैंड में पिक्चर क्लियर है और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी मैं ये बात बता रही थी कि किस तरह से नागालैंड में विपक्ष था ही नहीं, चुनावों के पहले भी विपक्ष यहाँ पे था नहीं और लगभग वैसी स्थिति चुनाव के बाद की भी शुरू से ही समझ में आ रही थी, क्योंकि सिर्फ एनडीपीपी और बीजेपी का अलायंस ऐसा था जिसने 60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा है, बाकी पार्टियों ने तो 60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा भी नहीं था। तो वो स्थिति पहले ही साफ थी जब 30 जो मेजोरिटी का आंकड़ा है 30-31 का, जब उतनी सीट पर ही कोई पार्टी नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, तो स्थिति पहले से ही स्पष्ट समझ में आ रही थी।
एकमात्र एनपीएफ की अगर हम बात कर ले तो वो भी सरकार को समर्थन कर ही रही थी, और इसीलिए बार बार मैं ये कह रही थी कि विपक्ष जहां है ही नहीं वहां कौन सी पार्टी किसके विरुद्ध चुनाव लड़ रही है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, वो समझ पाना जरा मुश्किल दिखाई दे रहा था। मैं डीसी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर बिल्कुल सन्नाटा है। इसके पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, एक भी कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के बाहर नहीं था, क्योंकि नागालैंड का ये चलन नहीं है कि अगर आप जीत गए तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो हल्ला हो। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि देखिए नलिन कोहली से तो हमने बात कर ली, लेकिन वो चेहरा जो बहुत ज्यादा फेमस है नागालैंड के अंदर अलोंगतकी सीट से तेमजन इमना जो कि अध्यक्ष है यहाँ के, वो भी न दीमापुर में दिखाई दिया और ना ही वो कोहिमा गए जो कि यहाँ की राजधानी है, वो सीधा अपने क्षेत्र चले गए। अमूमन यहाँ पर यही होता है अमन की जो चुनाव जीता है वो अपने घरों की ओर रुख कर लेता है और बहुत ज्यादा यहाँ पर हो हल्ला या धूम धड़ाका नहीं होता है। सुबह कुछ समर्थक मुझे दिखाई दे रहे थे, पिक्चर जैसे जैसे क्लियर होती गई वो भी अपने अपने घरों को लौटते चले गए। तो इतना जरूर है कि यहाँ पर क्लियर मेजोरिटी एनडीपीपी और बीजेपी के पास है, लेकिन सोचना कांग्रेस को है क्योंकि 2013 में 28% वोट शेयर था कांग्रेस के पास, 8 सीट उस वक्त थी, और ये 10 साल के अंदर क्योंकि 2013 में बीजेपी को 2% वोट भी नहीं मिला था और सीट मात्र एक उसके पास थी, तो ये इतना बड़ा उलटफेर 10 साल के अंदर कि कांग्रेस खत्म हो गई और बीजेपी यहां पर पार्टी भले ही अलायंस में लेकिन पार्टी बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कांग्रेस को सोचना होगा। और इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में जब चुनावी कैंपेन चल रहा था तो हमने देखा राहुल गांधी एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए नागालैंड में आए ही नहीं, तो ये लगभग वैसी स्थिति थी कि आपने चुनावों के पहले ही सरेंडर कर दिया हो। 22-23 सीट के ऊपर यहाँ पर चुनाव लड़ी है कांग्रेस, तो उस स्थिति में अगर सारी की सारी सीटें भी कांग्रेस जीत जाती तब भी ये पता था कि उनको आना तो है नहीं, क्योंकि 30 सीट के ऊपर अनाउंसमेंट कुछ हो रही है यहाँ पर हमें सुनाई दे रहा है। तो लगभग स्थिति चुनावों के पहले से ही अमन क्लियर थी कि यहाँ एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार आने वाली है। जो कुछ एक पार्टियां थी जैसे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, उसने पहले ही कह दिया था बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां वहां हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो एनडीपीपी के सामने तो 15 कैंडिडेट एलजेपी ने उतारे थे, उसका मतलब भी साफ था कि अगर वो जीत जाएंगे तो फिर बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। तो स्थिति चुनावों के पहले से ही अमन यहाँ पर यही दिखाई दे रही थी कि पार्टी एनडीपीपी और बीजेपी की बननी है जी। और त्रिपुरा में 32 हो गई है बीजेपी, बड़ी खबर है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, 29 से 32, सोचिए 31। और जो अभी आशिका जिसका जिक्र कर रही थी कि हो सकता है त्रिपुरा में उठा की जरूरत पड़े, वो जरूरत पड़नी नहीं है। यहां पर बीजेपी 32 सीटों पर इस वक्त आगे हो गया, बहुमत का आंकड़ा 31 है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को रुझानों के हिसाब से बहुमत मिल चुका है, 32 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी कि सरकार रिपीट हो रही है त्रिपुरा में। पहले वहां पर बीजेपी की सरकार थी, बिप्लब देव मुख्यमंत्री थे, फिर माणिक साह को मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रो इनकम्बेंसी। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग तय, 32 सीटों पर बीजेपी। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी एनडीपीपी के साथ मिलकर बीजेपी और एनडीपीपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मेघालय को लेकर पेंच फंसा हुआ है, मेघालय में 60 चाहिए, एनपीपी 26 पर है। अन्य की भूमिका, बीजेपी की भूमिका क्या होगी? हमारे साथ इस वक्त विवेक हैं। विवेक, त्रिपुरा क्लियर 32? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं आप जिस तरीके से उसका आपकी समीक्षा कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। और एक दिन पहले से ये सभी लोग ऐसी फिगर की आस लगाए बैठे थे और अभी जो दिख रहा है उसमें कुछ नयापन नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि मेघालय पर आकर थोड़ा हिचकिचाहट इसलिए हो रही है, हंग असेंबली की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ भी अगर आप जोड़ घटाओ थोड़ा कर लें, जोड़िए ही अभी अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी फिगर एक दिखता है। लेकिन मेघालय से अभी क्या खबर है, क्या बड़ी न्यूज़ है, ये हम आपको बताते चलते क्या खबर है। देखिए अभी तक जो माना जा रहा है कि जो वेस्ट जयंतिया हिल्स है उसमें नरतेंग की जो सीट है उस पर एनपीडी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, लगभग बहुत कम मार्जिन है जीतने में, तो अभी हम कह सकते हैं कि कुछ सेकंड का अंतर है, उसके बाद हम फिर से डिक्लेयर करेंगे। ये कम मार्जिन क्यों है, क्या ये बरकरार रह रहा है, क्योंकि मेघालय में हम अक्सर देख रहे हैं दो सीटों पर हमने इस तरह का विश्लेषण किया। अभी कई राउंड की इसमें जो हमने अभी जो काउंटिंग हुई है, हाँ कि जितने राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें देखा है कि लगभग 300 400 500 का इतना ही मार्जिन रह रहा है सिर्फ, कई सीटों पे ऐसा है। बिल्कुल सरप्राइजिंग है, थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन प्रांजल हमें बताएंगे, प्रांजल जरा सुनिएगा, ये सरप्राइजिंग है क्यों इतना, मतलब कम वोटों का अंतर है, क्योंकि अभी अब जब मेघालय की तरफ जा रहे हैं तो हमें थोड़ी हिचक हो रही है। खबर ये जरूर है कि वहां से कौन जीत रहा है ये पक्की है, लेकिन यहां पर थोड़ा सरप्राइजिंग कुछ लगता है। देखिए जो वोटर बेस है वो तो वही है, तो तीन पार्टीज के बीच में अभी वो डिवाइड हो गया है, पहले था कांग्रेस और एनपीपी, अब ये तीन पार्टीज में डिवाइड हो गया है, कांग्रेस एनपीपी और टीएमसी, तो इसीलिए वोटर्स के जो इस बार की वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, इसीलिए पहले जो मार्जिन्स
आपको दिखाई पड़ता था कि 2000-3000 के मार्जिन, वो अभी जाके कहीं 400-500 के मार्जिन हो गया है, क्योंकि वोट डिवीजन हो गया वहाँ पे, तो इसीलिए मार्जिन बहुत कम हो चुके हैं। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, पर जब तक हम श्योर शॉट नहीं हो सकते तो और इतने छोटी मार्जिन में हम किसी को डिक्लेयर। और कितने राउंड तक इंतजार करना? और एक राउंड, दो राउंड, उससे ज़्यादा नहीं। अभी तो फिफ्थ राउंड तक हम पहुँचे हैं, 6-7 राउंड होंगे, उससे ज़्यादा तब तक, और एक राउंड के बाद शायद वो मार्जिन हमें क्लियरली पता चल जाए। मार्जिन पता चलेगा अमन, और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसकी जीत हो रही है। लेकिन सबसे पहले जो सटीक फिगर के साथ हम आ रहे हैं, थोड़ी रफ्तार कम है लेकिन जो सटीक फिगर है वो हम जरूर बता रहे हैं। अमन, मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, त्रिपुरा तो हो गया क्लियर, 32 सीटों के साथ सरकार रिपीट कर रहे हैं आप? जी देखिए अमन जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो संवेदनशील नीति और दूरदर्शितापूर्ण जो नीति अपनाई गई थी, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग त्रिपुरा में भी रिपीट कर रहे हैं और नागालैंड में भी रिपीट कर रहे हैं, और मेघालय का भी अंतिम परिणाम आने दीजिए, स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। देखिए नमन जी, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को दरकिनार किया गया, दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, एक वो समय था जब कैडर राज चलता था, जब सीपीएम के गुंडे किस तरह से जंगल राज को बढ़ावा दे रहे थे, ब्लॉकेड होता था वहाँ पर, कर्फ्यू लगे रहते थे, आगजनी होती थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शितापूर्ण नीति का ही परिणाम है और उनकी संवेदनशील नीति का ही परिणाम है कि एक आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री लगातार 52 से 53 बार दौरा किए हैं पिछले 8-9 सालों के अंदर। हर 15 दिन के अंदर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर जाते हैं और वो आधारभूत संरचना को मजबूत करने का वहां पर काम किया। एक हीरा मूल मंत्र दिया हमने, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज को किस तरह से कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए वहां पर। और आज डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसी का परिणाम है कि लगातार हमें जीत मिली है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बनती है तो वहां की जनता जनार्दन जरूर निश्चित रूप से हमें दोबारा भी आशीर्वाद देती है, क्योंकि आपने देखा कि लगातार हम मणिपुर में भी दोबारा रिपीट हुए, गोवा में रिपीट हुए, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड और गुजरात का तो आपके सामने एग्जाम्पल है। तो ये जनता जनार्दन की जीत है, जनता जनार्दन लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताती है, जनता जनार्दन लगातार दिखाती है कि हम विकास पुरुष के साथ में हैं, विकास की जो राजनीति करता है उनके साथ में है। कहते हैं कि मेयर से लेकर मेघालय के चुनाव तक चेहरा सिर्फ एक होता है हमेशा आपके पास, मोदी जी। तो ये गर्व की बात है हमारे लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ना केवल देश के चेहरा है बल्कि ग्लोबल चेहरा है, और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो शीर्ष पद पर है, वो एक ग्लोबल चेहरा है। इनके पास चेहरे भी नहीं है, ना नेता है, ना नीति है, ना इनकी नीयत साफ है, इनकी नीयत भी साफ नहीं है। और इनके मल्लिकार्जुन खड़गो जी तो बोल रहे थे कि अंगूर खट्टे हैं, कि छोटे राज्यों के चुनाव थे। अब ये बताइए कि पिछले 7 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसमें से तो छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव की दृष्टि से लड़ना होता है। लेकिन इनके पास नेता भी नहीं है, ना नीति है, ना नियत है, इनके नेताओं की साख इतनी गिरी हुई है। अभी मैं कुछ प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि कुछ बूथ कैप्चरिंग हुई है। तो ये लोग लगातार क्या करते हैं, कभी सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। और मैं तो बड़ा आहत और पीड़ित हूँ, महसूस कर रहा हूं कि एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया संचालित की जाती है और बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं, उन पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। आप क्यों आहत हो रहे हैं? सवाल उठाते हैं, देखिए हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ये लोग सवाल उठाते हैं, तो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं बताइए। नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचने की कैपेसिटी है नहीं, बोल रहे हैं बता रहे हैं कि ऑपोजिशन की बेशक आप लोग जीत रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि वो कि सेकुलरिज्म की जीत हो वो चाहते हैं, मतलब आप लोग जीत रहे हैं तो क्या कम्युनलिज्म की जीत हो रही है? वो कह रहे हैं कि हम चाहेंगे सेकुलरिज्म की जीत हो। ये कौन से सेकुलरिज्म की बात करते हैं मुझे बताइए अमन जी, किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और किस कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं? ये इनका सेकुलरिज्म ये है कि ये देश, ये जो कांग्रेस पार्टी है मुसलमानों की पार्टी है, ये सेकुलरिज्म ही इनका, ये देश के संसाधनों पर पहला एकाधिकार केवल मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है, ये सेकुलरिज्म ही इनका। लगातार 370 का विरोध करना सेकुलरिज्म है क्या इनका? वो किस बात की बात करते हैं ये जो लगातार सेना पर सवाल उठाने का? अच्छा मनोज जी, एक मिनट रहिएगा मनोज जी, एक बड़ी खबर आ रहा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में, राहुल लाल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल जी, अमित शाह ने कहा था दूरबीन से ढूंढते रह जाएगी कांग्रेस, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढिए जो नंबर है इस वक्त, ढूंढिए आप कांग्रेस को राहुल जी, ढूंढिए। मैं तो बीजेपी को दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूँ, मैं तो बीजेपी को पीछे 31 नहीं, देखिए ना वो आंकड़े कितने बदल रहे हैं। अच्छा, अब देखिए त्रिपुरा के आंकड़े, कांग्रेस को ढूंढिए ना। नहीं ना, मैं पूरा कर दूं, दूरबीन देता हूं, दूरबीन दूं आप। नहीं, दूरबीन भी मैं लेके आया हूं, सब कुछ लेके आया हूं अमन जी, सब कुछ लेके आया हूं मैं। दो तीन पॉइंट रख दूं, देखिए जिस तरह से अगर हम लोग त्रिपुरा के आंकड़े देखते हैं तो वो आंकड़े देखिए, अभी अभी इसमें 31, 17, 10 दिख रहा है आपको,
लेकिन सुबह से लगातार ये आंकड़े ऊपर नीचे जा रहे हैं, यानी टिपरा माथा कई बार ऊपर भी जा रहा है। तो अभी जब तक इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए, एक संभावना ये बन सकती है कि टिपरा के साथ भले बीजेपी कह रही है कि हम लोग संपर्क में हैं, लेकिन उनके साथ साथ लेफ्ट गठबंधन के संपर्क में। बोलते 31 का 32 हो गया ऊपर, मैं अभी तो बढ़ रहा है, बीजेपी बढ़ रही है आपके बोलते, अभी बढ़ रही है वो, लेकिन अभी इसमें जोड़ घटाव जा रही है। लेकिन अब देखिए ये बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं, मेघालय में कितने सीट पे है आप देख लीजिए, बीजेपी 4 पे है, कांग्रेस 4 पे। अगर ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इनकी आंधी बह रही है, आंधी तूफान बह रही है, तो आप तो सत्ता में थे, फिर बाद में अचानक से जो है कि आपने अपने घटक दलों को छोड़ा और 4 सीट पे आ गए। और अभी जो मनोज जी ज्ञान दे रहे थे संवैधानिक संस्थाओं को लेके, तो मनोज जी वो टिप्पणी कोई हमारी और आपकी टिप्पणी नहीं है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, जिन्होंने जिनको लग रहा है कि अब उसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है कि कॉलेजियम से की जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन को लेके। तो वो एक तरह से रिफॉर्म्स की जो सख्त जरूरत थी, चूंकि आप लोग जिस तरह से नियुक्ति को लेकर तमाम तरह की चीजें आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह पे किया है कि किस तरह से न्यूट्रल ढंग से न्यूट्रल व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन का जो है कि मेंबर बनाया जाए, वो एक प्रयास था, इसलिए वो टिप्पणी किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिप्पणी नहीं थी। अच्छा, उस पर अभी जाते हैं। अभी जो मनोज जी से सवाल पूछा ना आपने मेघालय को लेकर, मनोज जी मेघालय को लेकर सवाल है आपसे कि भाई सरकार थी आपकी तो एनपीपी बीजेपी साथ में थी, कहां 4 पर रह गए आप, तो ये पूछ रहे हैं राहुल जी। देखिए हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ, इस बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है भाई, मैंने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर कुछ नहीं बोला है। राहुल लाल जी कम से कम आप पढ़े लिखे, आप राहुल गांधी जैसी बातें तो कम से कम मत किया कीजिए। वो कभी कभी क्या करते हैं कि आलू से सोना उगाने लग जाते हैं, सोने से आलू बनाने लग जाते हैं, वैसा तो कम से कम मत करिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति है। मैंने सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी टिप्पणी के ऊपर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय का जो कमेटी बनाने का काम किया है या जो भी उन्होंने संज्ञान लिया है निर्वाचन आयोग के मामले में, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय की हर चीज को हम लोग मान्य मानते हैं और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च संस्था है, हम मानते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। लेकिन राहुल लाल जी आप लोग हैं कहां? आप तो सीपीएम के साथ भी अरे हम तो देखे ना गल भैया कर आप कहां है राहुल जी, एक एक करके। हां बोलिए बोलिए, और राहुल लाल जी मैं एक बात, और राहुल लाल जी आप ही के, मैं आपको मानूं या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, वो तो हार स्वीकार कर चुके हैं कि तो छोटे राज्यों के चुनाव थे, अंगूर खट्टे हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं खा पाए तो कोई बात नहीं। तो आप ही के नेता कह रहे हैं, और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि अभी रुझानों में ये छोटा राज्य क्या होता है, ये इन्हीं के मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि ये तो छोटे राज्यों के चुनाव थे, छोटी सोच का नतीजा है, जो छोटा राहुल लाल जी की बात को मानो भाई, अगर ये कहा है मुझे नहीं पता, अगर ये कहा है मैं राहुल लाल की बात को मानूं या मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उत्तर पूर्व के राज्य, एक मिनट राहुल जी सुनिए ना, आराम से बात करते ना, अगर उत्तर पूर्व के राज्य जो बाइट है आप सुन लीजिए दोबारा से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला है, छोटी सोच है भाई, क्यों ऐसा सोचना उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए राहुल जी, राहुल लाल बिल्कुल उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए, छोटे राज्य क्या होते हैं ये? नहीं, छोटे राज्य नहीं, जब उनसे पत्रकार ने ये पूछा कि 2024 के संदर्भ में इन नतीजों को कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज कहा कि 2024 चूंकि लोकसभा के चुनाव है तो स्पष्ट है कि उसको लेके केवल आप तो बोनी होती है ना, 24 की बोनी तो गई, बोनी तो कहते हैं ना भाई, हम लोग जब शटर खोलते हैं तो बोनी जिसकी अच्छी है, हम लोग तो शटर खुला और आपका शटर डाउन, राहुल जी 24 का शटर आज ही खुला है ना, 23 में पहले चुनाव के नतीजे, तो बोनी शुभ मानी जाती है ना, तो बोनी तो बीजेपी की हुई है, आपका तो आज ही शटर डाउन, सोचिए कहां है कांग्रेस, दूर दिन से ढूंढिए आप। देखिए बीजेपी की बोनी त्रिपुरा में ठीक ठाक उनकी संख्या नागालैंड, मैं उसको मानता हूँ, नागालैंड में भी बोनी है, नहीं नागालैंड में तो देखिए नागालैंड में तो उन्होंने पूरा का पूरा वहाँ पे विपक्षी नहीं रहने दिया, पूरा का पूरा हर पे जितने क्षेत्रीय दल थे सबों को उन्होंने जो है कि नागालैंड बीजेपी ने, देखिए वहाँ पे अभी अगर मैं तो केवल एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अगर पूर्वोत्तर में इतनी जबरदस्त सफलता मिली है तो फिर मेघालय में सत्तारूढ़ होने के बावजूद भी वो 4 के संख्या पे क्यों अटकी हुई है, और बगल में 4 के संख्या पे मैं कांग्रेस को भी देख रहा हूँ, तो 4 कांग्रेस 4 बीजेपी, तो सोचिए जनता ने कितना अच्छा न्याय कर दिया है। तो देखिए इस चीजों को छोड़िए, जनता जो बड़े संकेत दे रही है, आप त्रिपुरा में सोचिए कि 2018 में किस तरह से परसेंट वोट मिला हुआ था। राहुल जी एक चीज कहते हैं, कभी कभी अपने दुख से उतना कष्ट नहीं होता लेकिन दूसरे के दुख से ज्यादा सुख, मतलब दूसरे के दुख से जितना खुशी होती है ना, आपका वही हाल है, अपने 4 है अपना नहीं बुरा लग रहा, बीजेपी 4 है उसकी खुशी आप अमन जी, दूसरे के दुख से आप ज्यादा खुशी अमन जी ऐसा है कि जब उस समय हमने जब पिछली बार हमने चुनाव लड़ा था तो हमारा गठबंधन था, लेकिन इस बार हमने कहा कि हमारे नेताओं ने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि हम लोग अपने एक एकला चलो की नीति पर हम लोग चले। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये बताइए, त्रिपुरा में तो आप लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं,
आप नागालैंड में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे नागालैंड छोड़िए, पिछले 7 राज्यों के चुनाव में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और आप कहाँ हैं, नदारद होते जा रहे हैं। तो ये अपना आत्ममंथन नहीं करते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले दूरबीन से भी देखने को नहीं मिलेगी। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वालों से मेरा सवाल है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वालों से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने तो छोटे राज्यों उनको दोयम दर्जे का व्यवहार किया। उत्तर पूर्व के साथ में आपने वहां आगजनी होती थी, इंसर्जेंसी लगी रहती थी, कर्फ्यू लगा रहता था, कभी आपने ध्यान दिया उत्तर पूर्व की तरफ? कभी ध्यान ही नहीं दिया आपने। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टिता है कि वहां पर लगातार माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं 52 से 53 दौरे किए उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये हमारी सोच है उत्तर पूर्व के लिए, ये आपकी सोच थी कि किस तरह से उनको गड्ढे में डाल रखा था आपने। अब मैं उसी का परिणाम है कि हमें आपने देखा कि मणिपुर में भी दोबारा से हम लोग जीत करके आए और इस बार भी निश्चित रूप से रिपीट कर रहे हैं। आपने बोला था आप दूरबीन लाए हैं, अब लेकर आइए कहाँ है फिर आप? मैं दूरबीन लेके आया हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, लाइए ना कहाँ है, ढूंढिए ना। अभी भी संभावना त्रिपुरा, कांग्रेस को ढूंढिए ना पहले, दूरबीन लेकर आइए। आपने बोला आप दूरबीन लाए हैं? बिल्कुल लेके आया हूँ, लाइए ना। मैं 4 संख्या को भी स्वीकार कर रहा हूँ, नागालैंड में कांग्रेस की 3 के संख्याओं को भी स्वीकार कर रहा हूँ, वो दूरबीन 4 और 3 सारे संख्याओं को देख रहा है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, जो 2-3 सवाल यहाँ पे देखिए, त्रिपुरा को लेके अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 2 संभावनाएं बनी हुई हैं, वहां पे बीजेपी गठबंधन की भी सरकार बन सकती है और वहां पे लेफ्ट का त्रिपुरा के साथ जो अगर आंकड़े आते हैं तो उसकी भी संभावनाओं को हम लोग खारिज नहीं कर सकते। तो एक तो अगर मान लीजिए कि वहां पर संभावना नंबर 2 आ गया। एक मिनट, विवेक के पास चलते हैं, लाइव रिजल्ट हब से विवेक के पास एक बार चलते हैं। विवेक, कोई अपडेट? क्योंकि बीजेपी 33 त्रिपुरा में और 36 नागालैंड बीजेपी और मेघालय में 27-4, कोई अपडेट? मेघालय में क्या अपडेट है अभी? देखिए मेघालय में मैं आपको बता दूं कि जिसको अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था कि वेस्ट जयंतिया हिल से जो नरतंगा है वहाँ से जो ये है स्नेह बाउल बलंगधर, ये पहले लीड कर रहे थे लेकिन अब इसको डिक्लेयर कर दिया गया 2123 सीट से वोटों से ये जीत गए। चलिए, पहला रिजल्ट हमने आपको बताया यहाँ पर मेघालय से जीत का, लेकिन नागालैंड की तरफ अगर हम रुख करें तो नागालैंड से क्या खबर है ये भी हम जानते हैं। नागालैंड से क्या जीत हार का आंकड़ा अभी क्या कहता है? जी, वहाँ पर भी जो NDPP है वो 20 पे लीड कर रही है, 3 जीत चुकी है, बीजेपी भी 11 पे लीड तक बने किसी की। तो ये कांग्रेस को के पीछे पीछे घूमते हैं हाथ लेके और इनके पास रास्ता ही नहीं है तो इन्हें पूछेगा कौन? तो समस्या ये है कि आज अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए इनके किसी से भी समझौता कर लेना, विचारधारा नाम की कोई चीज इनकी बची नहीं है। अब ये कह रहे कि साहब ये जो धर्म सांप्रदायिकता बनाम ये, अरे साहब ये छूट गया, ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है भाई साहब, ये अब उस चकल्लस में आपके फंसने वाला नहीं है जो आप लोगों ने 60 साल तक जो ये घुट्टी पिलाई हुई थी, ये घुट्टी से देश बहुत आगे निकल चुका है। अब देश जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, आगे निकल चुका है, विश्व महाशक्ति बनने जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर अगर आप चले हैं तो आप मेघालय में के शर्मा जी 2-4 पर पहुंचे हैं, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वहाँ क्या कहाँ से हुआ? नागालैंड में भी रुकिए, NPP 28 पे पहुंची है, नागालैंड में भी आप बीजेपी प्लस हमने यहाँ लिखा है, लेकिन वहाँ तो लीडिंग पार्टी NDPP है। NDPP को कितनी सीटें मिली, आपको कितनी सीटें मिली है? 60 में से 40 वो लड़े, 20 आप लड़े, 20 में से आप कितने जीते हैं? नहीं नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मेघालय में हम कितनी सीट पर थे? 2, अभी 4। आज उससे हम वहां पर बढ़े या नहीं बढ़े? अरे 2 से 4 हो गए तो आप बहुत खुश हैं। नहीं, 2 से 4 होने में आप कैसे खुश हो गए? त्रिपुरा मोर्चा तो 0 पे था, 11 पे आ गया। अरे सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम धीरे धीरे पूर्वोत्तर में अपनी बढ़त तो बना रहे हैं ना। नहीं, लेकिन हम वहाँ पर अपनी बढ़त बना रहे हैं के बाद, और नागालैंड में भी हम बढ़ा रहे हैं। 5 साल से 5 साल कहाँ सरकार में रहे हैं? 5 साल मेघालय में सरकार में रहने के बाद और इसमें रहने के बाद आप 2 से 4 सीटें गए हैं, तो आपने कौन से ज्यादा गेन्स कर लिए? मैं बता रहा हूँ, वहाँ अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों का ही वर्चस्व है, नागालैंड में भी क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व है, बीजेपी का फुटप्रिंट बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने आउटरीच नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने विकास की का मूल मंत्र वहां नहीं लेके गए, आपके मंत्री वहां नहीं पहुंचे, आपने स्कीम्स नहीं लाए, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया, सब कुछ मैं मान रहा हूँ सरकारी पॉलिसीज के तरीके से आपने किया है, लेकिन एज अ पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी आप ग्रो कर पाए हैं कि नहीं? पार्टी में आपने आपने ग्राउंड पे जगह बनाई है कि आपके एलाइज के पर निर्भर है, नेडा पर आप निर्भर है ना? नहीं नहीं सुनिए सर,
ऐसा है कि हम पूर्वोत्तर में इसके पहले कहीं नहीं थे जी। हम धीरे धीरे वहां अपनी बढ़त बनाते जा रहे हैं। यही आसाम था जहां हम इतने वर्षों तक लड़ते रहे और फिर हमने आसाम में अपनी सरकार रिपीट की और फिर पहले से ज्यादा बहुमत सीटें लेकर हम आए। अभी मेघालय में हम जो है कभी सरकार में नहीं रहे, हम मेघालय में अपनी जो है संगठन भी बढ़ा रहे हैं और वहां की उस विषम परिस्थिति में हम जो है वहां आगे बढ़ रहे हैं। दो से चार हुए हैं, आने वाले समय पे देखिए और क्या होता है। इसी तरह आप जो है नागालैंड में देखेंगे तो वहां भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे वहां वोट परसेंट। यहां जो है मेघालय में हम पहले 1-2% वोट शेयर था, आज 10.5% वोट शेयर हमारा वहां हुआ है। तो आप यदि ये देखोगे तो ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो वहां सत्ता पे बैठे हुए थे आज वो जमीन छू रहे हैं, उनको इसकी चिंता नहीं हो रही है। आपकी आइडियोलॉजी को भी कोई पकड़ नहीं रहा है। विश्वा शर्मा से आपकी आइडियोलॉजी को, आपकी आपकी आइडियोलॉजी को भी कोई नहीं पकड़ रहा है। आपने किसको तोड़ा है? देखिए तोड़ा नहीं, तोड़ा हो, तोड़ा हो या छोड़ा हो, लेकिन आप जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं उसका रिजेक्शन है कि नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो अभी 6 में से 6 में बीजेपी की सरकार है। मिजोरम और सिक्किम भले ही रुष्ट हो फिर भी नेडा के पात्र हैं। इन 6 में से 4 जगह बीजेपी की ही सरकार है और 2 जगह तो रिपीट हुई है असम और मणिपुर में। हाँ, ये स्टोरी पिछले 6 साल में 2016 से 2023 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। 2016 से 23 के अंदर लेफ्ट कितना फिसली है, कांग्रेस कितना फिसली है, कौन कहाँ गया है, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक एनालिसिस और आप समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो एक वहां का ट्रेडिशन रहा है कि उसमें से 70-80% राज्यों ने देर लाइक टू कनेक्ट विद समबडी हु इज सिटिंग एट द सेंटर जी, अपार्ट फ्रॉम त्रिपुरा जहां पे लेफ्ट की सरकार थी जी। एक ऑब्जर्वेशन है जी। दूसरी ऑब्जर्वेशन असम, असम, असम में कांग्रेस की सरकार थी, अब दो बार से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। मणिपुर में अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। लिया है सर, अरे लिया है, दिया है। आरएसएस से एक आदमी नहीं उठा, ताली दो हाथ से बचती है। अगर आप भी तो नाकामी है ना, आप भी तो नहीं रोक पाए, आपकी तरफ तो नहीं आया वो, नहीं नहीं आपकी तरफ तो नहीं आया, लेकिन फिर आपसे भी छूट के निकल गए, आपसे भी छूट के निकल गए। तो आपकी विचारधारा को रिजेक्ट किया जा रहा है, जो बंद की विचारधारा थी, लाठी बांटा भाला बच्चा भाला अलगाववाद और अलगाववाद की विचारधारा है, लोगों की जिंदगी को चरमराने की, वहां विकास नहीं लाने की जो विचारधारा है रिजेक्ट किया गया है। जयदीप मजूमदार एक बात बताइए, आप नॉर्थ ईस्ट को फॉलो करते हैं, मुझे बताइए पिछले 4 साल के अंदर क्या मेघालय में बंद कम हुआ है नहीं, क्या नागालैंड में बंद कम हुआ है कि नहीं, त्रिपुरा से आसपा हटा है कि नहीं? अगर ये सब हुआ है तो फिर ये किसी की वजह से तो हुआ है, इन पार्टियों की वजह से तो नहीं हुआ जो पिछले इससे पहले 30 साल तक वहां काबिज थी। देखिए मेरा कहना है कि बीजेपी का जो ग्रोथ हो रहा है वहां नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय बोलिए, त्रिपुरा बोलिए, ये इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, सही दिशा पे जा रहे हैं ये पार्टी। नंबर वन, अगर आप बोलते हैं कि 0 से 4 हुआ, क्यों 4 हुआ, ये दिस इज हार्डली एन इंक्रीज, तो हम तो बोल सकते हैं कि तृणमूल को देखिए आप, 0 था, कितने 11 MLA ज्वाइन किया तो 0 से 12 हो गया, लेकिन उसी बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक ग्रोथ तृणमूल का। आप अगले 2 साल में देखेंगे या तो 1 साल में देखेंगे या कई महीने में देखेंगे, तृणमूल का जो 5 MLA है पूरा सबके सब तृणमूल छोड़ के भाग गया दूसरे पार्टी में। ऐसे ग्रोथ नहीं चाहिए ना, बीजेपी का ग्रोथ इज वेरी डिफरेंट। बीजेपी का ग्रोथ ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे, संगठन इन लोगों ने कर रहा है, 60s से शुरू हुआ है जब संघ परिवार वहां नॉर्थ ईस्ट में काम शुरू किया था, तो अभी ये धीरे धीरे हो रहा है, ये सही दिशा पे जा रहा है। अब त्रिपुरा में भी नहीं बोल सकते 3 सीट का कम हो गया, 3 सीट तो ग्रोथ कैसे हुआ है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि त्रिपुरा में अगर त्रिपुरा मोथा 0 से 11 पहुंचा है, यानी कि बहुत बड़ा इशू है वहां, IPFT जो एक टाइम पे काफी सीटें लेकर था, पिछली बार 8 सीटें था, आपकी बार कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। अब त्रिपुरा का ट्राइबल्स को अगर आप ये सपने दिखाते हैं कि हमारा स्टेट, वो देखिए ट्राइबल्स, दे पुअर ट्राइबल्स, बैकवर्ड ट्राइबल्स, बाई नेचर बहुत इनोसेंट और बिलीविंग होता है, तो इनको ये सपने दिखाए हैं कि हम अलग सा स्टेट बना लेंगे,
तो इसीलिए ट्राइबल लोग वहां वोट दिए हैं। ये ट्राइबल्स लोग देखने नहीं गए हैं कि ये एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, होगा नहीं कभी भी। लेकिन तिपरा मोथा ने अलग स्टेट की बात नहीं की है, तिपरा मोथा ने अलग स्टेट की बात नहीं की है। तिपरा मोथा ने यह कहा है कि वहां के जनजातीय लोग जो आदिवासी हैं उनको अलग सा, उन्होंने ग्रेटर तिपरा लैंड की तो बात की थी लेकिन उसको भी आप कम करके उन्होंने कहा है कि हमें लिखित में वादे चाहिए कि इंडिजिनस पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज नहीं किया जाएगा। जो बंगाली भाषी हिंदू हैं वो वहाँ के त्रिपुरी हिंदुओं के ऊपर चढ़ के नहीं बैठेंगे। त्रिपुरा के जो ओरिजिनल लोकल लोग हैं उनको मौका अवसर दिया जाएगा, यहाँ तक की बात हुई है। और के शर्मा जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि 5 साल में भी आप जो ओरिजिनल इंडिजिनस त्रिपुरी लोग हैं उन पर उनका विश्वास आप नहीं जीत पाए। ट्राइबल बेल्ट में कम से कम 20% वोट शेयर गया है, आंकड़े अभी पूरी तरह सेट नहीं हुए लेकिन 11 सीटें जीतना यानी कि 18 से 20% वोट शेयर। मुझे आश्चर्य है इस तरह के विश्लेषण को कि त्रिपुरा मोदा की बात करें, एक तरफ तस्वीरें दिखाऊं आपको रंगारंग, और मैं अपने विजय से कहूंगी कि तेज कदम में चलते हुए पूरा जो ये रास्ता है आपको तस्वीरें दिखाएं कि त्रिपुरा मोदा के जो समर्थक है वो दूर दूर से जिलों से आकर के यहाँ पर कान लगा करके एक एक जो अपडेट आ रहा है काउंटिंग सेंटर से वो सुन रहे हैं। 4 राउंड के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी दूं अमन, 4 राउंड की लगभग गिनती हो चुकी है, करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी लेफ्ट कांग्रेस का जो अलायंस है उनके बीच में 200-300 मात्र वोटों का अंतर है। तो अब जो है थोड़ी देर में परिस्थिति पूरी साफ हो जाएगी कि ये हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है या फिर क्लियर किसी को जो है वो मेजोरिटी मिलती है सरकार बना ले लाए। इस बीच देखिए त्रिपुरा मोथा के जो समर्थक हैं उनकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आदिवासी वोटर हैं ये वो वोटर हैं जिन्होंने इस बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ा जो है त्रिपुरा मोथा जो पिछले चुनाव तक दल भी नहीं था, कांग्रेस में थे प्रद्युत देवबर्मन, वहाँ से निकले, अपना दल बनाया और अब 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, 20 सीटों पर दावा ठोक रहे थे लेकिन फिलहाल डबल डिजिट में मामला तो जा ही रहा है, ये साफ जो ट्रेंड्स हैं वो दिखा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग, कितने घंटे से? हम त्रिपुरा से। कहाँ, कितनी दूर? अच्छा, तो क्या तैयारी है सेलिब्रेशंस वगैरह की? सेलिब्रेशन की तैयारी है? देखिए ये युवा पीढ़ी बिल्कुल फोन में घुसी हुई है। आगे देखिए ये पूरी सड़क आपको जो है आपको बैठे हुए नजर आएंगे त्रिपुरा मोथा के ये जो समर्थक हैं दूर दूर से आए हैं। और त्रिपुरा मोथा को ही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर संख्या कम रह जाती है तो किंग यानी प्रद्युत जिनकी ये पार्टी है त्रिपुरा के महाराज हैं उनको ही किंग मेकर बनना पड़ेगा, वो उसकी भूमिका में आ जाएंगे और हो सकता है कि सत्ता की सीढ़ी भी वो चढ़ें अगर भाजपा की 1-2 सीटें कम रह जाती है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सुबह तक दावा किया है कि नहीं पूरी मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे लेकिन अगर कम रह जाते हैं तो क्या त्रिपुरा मोथा साथ आएगा? लेकिन त्रिपुरा मोथा जहां भी लड़ रही है या तो बहुत कम उनको वोट्स मिले या बहुत ज़्यादा, तो क्लियर कट जो एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है एक कारण से एक कह सकते हैं कि एक आंदोलन शुरू किया ना सिर्फ एक पार्टी प्रद्युत देव बर्मन ने, वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी, लेफ्ट कांग्रेस का जो अलायंस है एक तरफ वो एक तरफ बीजेपी, कांटे की टक्कर चल रही है। तो अगर कहीं ना कहीं संख्या कम रह जाती है अमन तो बड़ी भूमिका में त्रिपुरा मोथा आ सकते हैं, प्रद्युत देव बर्मन आ सकते हैं। और जो पहले भी मैंने आपको बताया 11 सीटें करीब आशिका आपके पास आ रहे हैं। शालिनी इस वक्त नागालैंड से जुड़ गई हैं। शालिनी, नागालैंड में तो पिक्चर क्लियर है? बिल्कुल अमन, नागालैंड में पिक्चर क्लियर है और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी मैं ये बात बता रही थी कि किस तरह से नागालैंड में विपक्ष था ही नहीं, चुनावों के पहले भी विपक्ष यहाँ पे था नहीं और लगभग वैसी स्थिति चुनाव के बाद की भी शुरू से ही समझ में आ रही थी क्योंकि सिर्फ एनडीपीपी और बीजेपी का अलायंस ऐसा था जिसने 60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा है, बाकी पार्टियों ने तो 60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा भी नहीं था। तो वो स्थिति पहले ही साफ थी जब 30 जो मेजोरिटी का आंकड़ा है 30-31 का, जब उतनी सीट पर ही कोई पार्टी नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, तो स्थिति पहले से ही स्पष्ट समझ में आ रही थी।
एकमात्र एनपीएफ की अगर हम बात कर ले तो वो भी सरकार को समर्थन कर ही रही थी, और इसीलिए बार बार मैं ये कह रही थी कि विपक्ष जहां है ही नहीं वहां कौन सी पार्टी किसके विरुद्ध चुनाव लड़ रही है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, वो समझ पाना जरा मुश्किल दिखाई दे रहा था। मैं डीसी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर बिल्कुल सन्नाटा है। इसके पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, एक भी कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के बाहर नहीं था, क्योंकि नागालैंड का ये चलन नहीं है कि अगर आप जीत गए तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो हल्ला हो। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि देखिए नलिन कोहली से तो हमने बात कर ली, लेकिन वो चेहरा जो बहुत ज्यादा फेमस है नागालैंड के अंदर अलोंगतकी सीट से तेमजन इमना जो कि अध्यक्ष है यहाँ के, वो भी न दीमापुर में दिखाई दिया और ना ही वो कोहिमा गए जो कि यहाँ की राजधानी है, वो सीधा अपने क्षेत्र चले गए। अमूमन यहाँ पर यही होता है अमन की जो चुनाव जीता है वो अपने घरों की ओर रुख कर लेता है और बहुत ज्यादा यहाँ पर हो हल्ला या धूम धड़ाका नहीं होता है। सुबह कुछ समर्थक मुझे दिखाई दे रहे थे, पिक्चर जैसे जैसे क्लियर होती गई वो भी अपने अपने घरों को लौटते चले गए। तो इतना जरूर है कि यहाँ पर क्लियर मेजोरिटी एनडीपीपी और बीजेपी के पास है, लेकिन सोचना कांग्रेस को है क्योंकि 2013 में 28% वोट शेयर था कांग्रेस के पास, 8 सीट उस वक्त थी, और ये 10 साल के अंदर क्योंकि 2013 में बीजेपी को 2% वोट भी नहीं मिला था और सीट मात्र एक उसके पास थी, तो ये इतना बड़ा उलटफेर 10 साल के अंदर कि कांग्रेस खत्म हो गई और बीजेपी यहां पर पार्टी भले ही अलायंस में लेकिन पार्टी बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कांग्रेस को सोचना होगा। और इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में जब चुनावी कैंपेन चल रहा था तो हमने देखा राहुल गांधी एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए नागालैंड में आए ही नहीं, तो ये लगभग वैसी स्थिति थी कि आपने चुनावों के पहले ही सरेंडर कर दिया हो। 22-23 सीट के ऊपर यहाँ पर चुनाव लड़ी है कांग्रेस, तो उस स्थिति में अगर सारी की सारी सीटें भी कांग्रेस जीत जाती तब भी ये पता था कि उनको आना तो है नहीं, क्योंकि 30 सीट के ऊपर अनाउंसमेंट कुछ हो रही है यहाँ पर हमें सुनाई दे रहा है। तो लगभग स्थिति चुनावों के पहले से ही अमन क्लियर थी कि यहाँ एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार आने वाली है। जो कुछ एक पार्टियां थी जैसे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, उसने पहले ही कह दिया था बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां वहां हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो एनडीपीपी के सामने तो 15 कैंडिडेट एलजेपी ने उतारे थे, उसका मतलब भी साफ था कि अगर वो जीत जाएंगे तो फिर बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। तो स्थिति चुनावों के पहले से ही अमन यहाँ पर यही दिखाई दे रही थी कि पार्टी एनडीपीपी और बीजेपी की बननी है जी। और त्रिपुरा में 32 हो गई है बीजेपी, बड़ी खबर है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, 29 से 32, सोचिए 31। और जो अभी आशिका जिसका जिक्र कर रही थी कि हो सकता है त्रिपुरा मोथा की जरूरत पड़े, वो जरूरत पड़नी नहीं है। यहां पर बीजेपी 32 सीटों पर इस वक्त आगे हो गया, बहुमत का आंकड़ा 31 है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को रुझानों के हिसाब से बहुमत मिल चुका है, 32 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी कि सरकार रिपीट हो रही है त्रिपुरा में। पहले वहां पर बीजेपी की सरकार थी, बिप्लब देव मुख्यमंत्री थे, फिर माणिक साह को मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रो इनकम्बेंसी। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग तय, 32 सीटों पर बीजेपी। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी एनडीपीपी के साथ मिलकर बीजेपी और एनडीपीपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मेघालय को लेकर पेंच फंसा हुआ है, मेघालय में 60 चाहिए, एनपीपी 26 पर है। अन्य की भूमिका, बीजेपी की भूमिका क्या होगी? हमारे साथ इस वक्त विवेक हैं। विवेक, त्रिपुरा क्लियर 32? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं आप जिस तरीके से उसका आपकी समीक्षा कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। और एक दिन पहले से ये सभी लोग ऐसी फिगर की आस लगाए बैठे थे और अभी जो दिख रहा है उसमें कुछ नयापन नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि मेघालय पर आकर थोड़ा हिचकिचाहट इसलिए हो रही है, हंग असेंबली की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ भी अगर आप जोड़ घटाओ थोड़ा कर लें, जोड़िए ही अभी अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी फिगर एक दिखता है। लेकिन मेघालय से अभी क्या खबर है, क्या बड़ी न्यूज़ है, ये हम आपको बताते चलते क्या खबर है। देखिए अभी तक जो माना जा रहा है कि जो वेस्ट जयंतिया हिल्स है उसमें नरतेंग की जो सीट है उस पर एनपीडी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, लगभग बहुत कम मार्जिन है जीतने में, तो अभी हम कह सकते हैं कि कुछ सेकंड का अंतर है, उसके बाद हम फिर से डिक्लेयर करेंगे। ये कम मार्जिन क्यों है, क्या ये बरकरार रह रहा है, क्योंकि मेघालय में हम अक्सर देख रहे हैं दो सीटों पर हमने इस तरह का विश्लेषण किया। अभी कई राउंड की इसमें जो हमने अभी जो काउंटिंग हुई है, हाँ कि जितने राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें देखा है कि लगभग 300 400 500 700 का इतना ही मार्जिन रह रहा है सिर्फ, कई सीटों पे ऐसा है। बिल्कुल सरप्राइजिंग है, थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन प्रांजल हमें बताएंगे। प्रांजल जरा सुनिएगा, ये सरप्राइजिंग है क्यों इतना, मतलब कम वोटों का अंतर है, क्योंकि अभी अब जब मेघालय की तरफ जा रहे हैं तो हमें थोड़ी हिचक हो रही है। खबर ये जरूर है कि वहां से कौन जीत रहा है ये पक्की है, लेकिन यहां पर थोड़ा सरप्राइजिंग कुछ लगता है। देखिए जो वोटर बेस है वो तो वही है, तो तीन पार्टीज के बीच में अभी वो डिवाइड हो गया है। पहले था कांग्रेस और एनपीपी, अब ये तीन पार्टीज में डिवाइड हो गया है, कांग्रेस, एनपीपी और टीएमसी।
तो इसीलिए वोटर्स के जो इस बार की वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, इसीलिए पहले जो मार्जिन्स आपको दिखाई पड़ते थे कि 2,000-3,000 के मार्जिन्स, वो अभी जाके कहीं 400-500 के मार्जिन्स हो गया है, क्योंकि वोट डिवीजन हो गया वहाँ पे, तो इसीलिए मार्जिन्स बहुत कम हो चुके हैं। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, पर जब तक हम श्योर शॉट नहीं हो सकते तो और इतने छोटी मार्जिन में हम किसी को डिक्लेयर। और कितने राउंड तक इंतजार करना? और एक राउंड, दो राउंड, उससे ज़्यादा नहीं, अभी तो फिफ्थ राउंड तक हम पहुँचे हैं।